वैसे गाइस आई होप यू आर इन वेल, आई एम वीर। वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों जिंदगी का वैसे तो हर एक दिन बड़ा बेहतरीन होता है, पर लेकिन सबसे बेहतरीन दिन आप लोगों की जिंदगी के वो होते हैं जिन दिन को आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो। कहने के लिए तो हम लोग यहाँ पर अभी अप्रैल में एंट्री कर चुके हैं, पर लेकिन इन रियलिटी में आप लोगों ने इस साल के जितने दिन भी आप लोगों ने यूटिलाइज किए हैं, असलियत में वही नए साल के आप लोगों के दिन जो हैं वो काउंट होंगे। बाकी का तो कैलेंडर में डेट चेंज होती रहती है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ये रियलिटी है यार। अगर रियलिटी में आप लोग सिस्टमेटिक वे में अपने दिन को यूटिलाइज करोगे तब जाकर आप लोगों का साल जो है वो रियलिटी में साल कहलाएगा, वरना हर एक साल जो है बस कैलेंडर में चेंज होगा, आप लोगों की लाइफ में कोई चेंज लेकर नहीं आएगा। तो रियलिटी में इसलिए अगर अपनी लाइफ में आप लोग चेंज लाना चाहते हैं तो एक एक दिन को दिल खोल कर जिए और दिल खोल कर मेहनत करिए, अपने मुकाम को अचीव करिए और फिर देखिए कितना शानदार आप लोगों को लगता है ये साल और बचा हुआ जो जितना भी साल है कितने शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करते हो। वैसे आज जो है नया साल है, मतलब अप्रैल है बेसिकली, और फर्स्ट ऑफ अप्रैल जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर भी है और एक नए साल के तौर पर भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आप लोगों के सामने फिर से नए साल की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे साल बरकरार रहना चाहिए। तो हाउ द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो जो है पुराने वाली रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है आप लोगों के पास में आप लोगों के एग्जाम होंगे, तो इसलिए सारा का सारा रिवीजन आप लोगों का होना चाहिए। हर एक महीने की वीडियो आप लोगों के हाथ में है, अभी फिलहाल जो है ये महीना आप लोगों के सामने कंप्लीट होने वाला है, और आप लोग जब भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो अगर बात करें तो लगभग एक या डेढ़ साल का करंट अफेयर आप लोगों को कवर करना चाहिए, एक का तो मिनिमम होना चाहिए, अगर डेढ़ का भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे यहां पर एक ऐसे सेक्शन के साथ में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिपोर्ट और जो इंडेक्स वाला सेक्शन रहता है। यहां से क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनता है, यानी कि अगर ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलोगे इस सेक्शन को तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम में कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। तो आइए इस पर्टिकुलर जो सेक्शन को आगे लेकर चलते हैं। एग्जाम चाहे कोई सा भी आप लोग उठा लो, वुमेन यानी कि महिला है ऐसा टॉपिक जो कि हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहां पर बात की जा रही है एक ऐसे ही इंडेक्स के बारे में जो कि महिलाओं से रिलेटेड है। सबसे पहले तो यहां पर इंडेक्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और फिर किसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है ये बात करेंगे, और फिर हमारे देश की रैंक क्या है ये इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर वुमेन के बारे में बात की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है इसको प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की जो रैंक है दोस्तों वो है 113, टोटल मिलाकर 190 कंट्री है, और 190 कंट्री में से हमारी रैंक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 113। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नाम है वुमेन महिला बिजनेस कारोबार लो इंडेक्स। तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है इसमें सबसे खासियत आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि यहां पर पूरा फोकस ये रहता है कि ये चेक किया जाए कि जो महिला है यानी कि जो वुमेन है वो मेल यानी कि जो पुरुष है उसके साथ में कहां पर इक्वली स्टैंड करती है। तो अगर 100 स्कोर कर लिया है किसी इंडेक्स के द्वारा किसी भी कंट्री के द्वारा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैन एंड वुमेन यानी कि महिला और पुरुष बिल्कुल इक्वल है। पर लेकिन दुर्भाग्य की बात यहां पर यह है कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने फुल स्कोर जो यहां पर अचीव किया हो, तो इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर महिला और पुरुष जो है वो बिल्कुल इक्वल हो, कहीं पर भी जाकर काम कर सकती है, कहीं पर भी जाकर रह सकती है, उनकी इक्वल पे, उनकी मैरिज या फिर किस तरीके से उनका लालन पालन किया गया, बिजनेस के बारे में, उनकी कहीं पर एसेट्स यानी कि उनके पास में कितना धन संपत्ति है, पेंशन के बारे में, ये टोटल मिलाकर 8 एरिया ऐसे हैं जिनको चेक कर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। पर लेकिन अगर किसी देश में हो सकता है महिला को वर्क प्लेस पर इक्वल अधिकार मिले, पर लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसको वहां पर बिजनेस में जो खासकर उसको इक्वल अधिकार मिलेगा या फिर जो धन संपत्ति होगी परिवार की उसमें इक्वल अधिकार मिलेगा। तो इसलिए पूरी दुनिया में ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों कि नॉट इवन ए सिंगल कंट्री यानी कि कोई एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने फुल स्कोर हासिल किया हो जो कि 100 आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी जो रैंक है दोस्तों इसमें वो है 113 यानी कि 190 कंट्री में से हम लोग लगभग बीच में बैठे हुए हैं, तो 113 हमारी रैंक है इसमें। और इसमें जब बात की जाती है ग्लोबल एवरेज और हमारे बारे में, तो यहां पर जो सोचने वाली बात है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
हमारे देश के अंदर में महिलाओं को अगर कंपेयर करोगे तो यहां पर पुरुष के कंपेयर में आप लोगों को 60% पर आप लोगों को महिलाएं यहां पर नजर आएगी, ठीक है। जबकि अगर सेम चीज हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को यहां पर जो महिलाएं हैं वो 64% पर आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि हमारे देश के अंदर में जो महिलाएं अगर आप लोग देखोगे एज कंपेयर टू पुरुष के, और दुनिया भर में देखोगे तो हमारे देश में जो महिलाओं की कंडीशन है वो थोड़ी सी दयनीय है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि मैं आप लोगों से बोलता पाया जाता हूं कि हम लोग पैट्रियारिकल सोसाइटी में रहते हैं, तो पुरुष प्रधान देश के अंदर में ये सारी चीजें नॉर्मली है जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या है इंडेक्स का नाम, हमारी रैंक क्या है, टोटल स्कोर किस किस पर्टिकुलर जो कोर एरिया जिनमें यहां पर इसको कंसिडर किया जाता है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मुस्कुराइए, क्योंकि हम लोग खुश रहने वाली रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दुनिया में कौन खुश है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। कौन सी कंट्री टॉप पर है, जो ऊपर से टॉप कर रही है, कौन सी कंट्री नीचे से टॉप कर रही है ये भी जानेंगे। रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन प्रस्तुत करता है, और हमारी रैंक क्या है ये भी जानेंगे। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग किस तरीके से खुश रहते हैं, क्या तरीका है, तो आप क्या बताएंगे। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं 2024 की रिपोर्ट के बारे में, पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, खुश एक टाइम पर इंसान रह सकता है। उन्हें कहते हैं कि वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो तो गुजर जाता है, तो ये बात सुनी होगी ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके से यहां पर जो वक्त गुजर जाता है, तो ये किसी एक वक्त के बारे में बात नहीं करते हैं। टोटल मिलाकर यहां पर ये देखते हैं कि पिछले टाइम में तो यहां पर लगभग 3 सालों में कैसी खुशी रही है, यानी कि पिछले 3 साल का ये स्कोर देखते हैं और उसके बेस पर अपना जो है ये इंडेक्स तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। और 6 पर्टिकुलर ऐसे एरिया हैं जिनको ये लेकर चलते हैं, जैसे सोशल सपोर्ट कैसी है, क्योंकि अगर आप लोगों के घर पे अच्छी सपोर्ट होगी, समाज की अच्छी सपोर्ट होगी, तो इंसान कुछ ना कुछ कर जाता है। इनकम अगर हाथ में है तो कुछ भी अच्छा कर लेगा, खुश भी रहेगा। हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर सब कुछ है और हेल्थ नहीं है तो फिर खतरनाक चीज है। अगर आजादी नहीं है कुछ करने की तो फिर क्या ही फायदा। जेनरेसिटी होनी चाहिए अपने अंदर भी और दूसरों के लिए भी, बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और सबसे खतरनाक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी पोस्ट पर जाकर बैठना, बस करप्शन मत करना। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर में, अगर इनको हम लोग फोकस देकर चलेंगे तो बहुत कुछ हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, जिसको SDSN के नाम से आप लोग जानते हैं। और यहां पर लगभग 150 कंट्री का जब एनालिसिस किया गया, तब पता चला कि हाँ कौन सी कंट्री जो है वो कितनी खुश है, और खुश नसीबी जो है वो देखी गई इन 6 फैक्टर के तौर पर। तो सर बताइए कौन सी कंट्री जो है वो कितनी खुश है। इसमें सबसे टॉप परफॉर्मेंस पर है ये है फिनलैंड। दोस्तों अगर फिनलैंड आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे जो खुश कंट्री को मैं दिखाता हूं, बेसिकली अब पता नहीं क्या खाते हैं इतना खुश कैसे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फिनलैंड। एग्जैक्ट आप लोगों के सामने है यहां पर फिनलैंड, तो ये एग्जैक्ट पोजिशन है फिनलैंड की। तो यहां पर ये है कंट्री जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है। सर सबसे ज्यादा खुश तो दिखा दी, अब सबसे ज्यादा दुखी दिखा दो। सबसे ज्यादा दुखी कंट्री जो है बताओ कौन सी होगी आज की डेट में, आप लोगों के हिसाब से कौन सी कंट्री है सबसे ज्यादा दुखी। तो दोस्तों वो है अफगानिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कंट्री आज की डेट में है अफगानिस्तान, और सबसे ज्यादा खुश कंट्री है वो है आज की डेट में फिनलैंड। तो फिर सर हमारी रैंक कितनी है। अच्छा अफगानिस्तान के साथ में अगर याद रखना, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, इनको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये वो कंट्री है जो आप लोग को हमेशा टॉप पर मिलेगी। डेनमार्क यहां पर हो गया, ठीक है, ये डेनमार्क हो गया छोटा सा, यहां पर आइसलैंड हो गया आप लोगों के सामने, और यहां पर आप लोगों को स्वीडन देखने को मिलेगा। यानी कि ये वो कंट्री है जहां पर हमेशा आप लोगों को सारे इंडेक्स में ये टॉप करती हुई नजर आती है। और अफगानिस्तान में तो सिचुएशन आप लोग समझ ही रहे हैं, वहां पर तो महिलाओं को इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है कि अगर कोई महिला चोरी कर लेती है तो उसको कोड़े मार मार कर मार डालो। अगर कोई महिला यहां पर किसी दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बना लेती है तो उसके साथ में तो ब्लैंक पॉइंट पर शूट कर दो उसको। ऐसे ऐसे कानून है आज की डेट में, तो सोच सकते हैं कि यहां पर क्या कंडीशन होगी। इंडिया की जो रैंक है, भारत की जो रैंक है वो है 126। और यहां पर सबसे पहली बार यहां पर ये देखने को मिला है पिछले एक दशक में कि जो यूएसए है और जो जर्मनी है वो नॉर्मली अच्छी खासी पोजीशन पर रहते थे, पर लेकिन अभी फिलहाल वो आउट ऑफ 20, यानी कि बेसिकली टॉप 20 से भी बाहर चले गए हैं। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि टॉप 10 तो छोड़ दो, टॉप 20 से भी बाहर हो गए हो। पर लेकिन जो सरप्राइजिंगली जो मुझे चीज देखने को मिली, इसमें इसराइल की भी रैंक दी गई है। जो इसराइल है उसकी रैंक देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि हो सकता है इन्होंने अभी फिलहाल के, क्योंकि ये 3 साल का लेते हैं ना इंडिकेटर, तो यहां पर इन्होंने उस चीज को भी कंसिडर नहीं किया गया हो। पर
पर लेकिन अगर ध्यान से अगर देखेंगे इसराइल के बारे में, एक सेकेंड, इसराइल पूरा मैप ही घूम गया, इसमें जूम करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर एक तरीके से यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, तो इसराइल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसराइल जो है वो टॉप फोर कंट्री में है, यानी कि फोर्थ है उसकी रैंक, इसराइल की रैंक, समझ रहे हैं आप लोग। नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ये सारे देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बेसिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, वैसे इसराइल आप लोगों को देखना है तो यहां पर आप लोगों को इसराइल देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, ठीक है। जूम करके भी देखेंगे तो ये हो गया पर्टिकुलर इसराइल, ये है गाजा स्ट्रिप, जहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है काफी खतरनाक लेवल की। ऊपर मेडिटेरेनियन सी हो गया, साइड में आएंगे तो आप लोगों को यहां पर स्वेज कैनाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहां पर रख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इंसान को पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चद्दर हो, ये तो सुना होगा ना। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर दुनिया में हम लोग इतने पैर पसार रहे हैं कि जो चद्दर से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितने रिसोर्सेज हैं, अगर उनका ढंग से हम लोग यूटिलाइज करें तो ये काफी अच्छी पृथ्वी है हमारे लिए, एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से हम लोग इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 50 सालों में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना लगभग 3 गुना ज्यादा कर दिया है, जिसके चलते यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसका डेटा पब्लिश किया गया है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा। मतलब क्या है, मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो हम लोगों ने मान लीजिए 5 पेड़ लगाए और हम लोगों ने 15 पेड़ काट दिए, तो आने वाले टाइम में हमारी धरती पर जो है वो पेड़ खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो इसके में यहां पर यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसको आप लोग यूएनईपी बोलते हो, उसने यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि लगभग 3 गुना ज्यादा हम लोग स्पीड में चल रहे हैं और इससे दिक्कतें देखने को मिलेगी। जब ये न्यूज में पढ़ रहा था तो मुझे गांधी जी की एक कोटेशन याद आ गई कि अगर हम लोग एक लालच में पढ़कर अपनी पृथ्वी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कई पृथ्वी भी हम लोग को कम पड़ जाएंगी, पर लेकिन अगर हम लोग ग्रीड से निकलकर नीड की ओर चलेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यही बात बोलने की कोशिश की गई कि ग्रीड नहीं, नीड की तरफ को चलो। तो इसलिए यहां पर ये रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी स्टार्ट की गई है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ी। यहां पर इंटरनेशनल रिसोर्स जो पैनल है यहां पर यूएनईपी का, वो यहां पर इसका डेटा कलेक्ट कर दुनिया के सामने रखता है कि क्या चल रहा है आखिरकार। इसका जो पहला संस्करण था, यानी कि फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक का, ये लॉन्च किया गया था 2019 में यूनाइटेड इन्वायरमेंट असेंबली, दो फोर्थ यहां पर उसके अंदर में। और अभी जो रिपोर्ट है यहां पर, इसका फोकस पूरा का पूरा यही है, बेंड द ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड अभी चला हुआ रहा है लगभग 3 गुना हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बेंड कर दो। और बोला गया कि पाथवे टू लिवेबल प्लैनेट एज ए रिसोर्स यूज स्पाइक, यानी कि हम लोगों को इस तरीके से अपने आप को चेंज करना है ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल में हम लोग रह सकें, इस वातावरण के साथ में दोस्ती बनाकर रह सकें। अगर इसके दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर हम लोग खुद अपने आप को खत्म कर बैठ जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में ध्यान रखती है। याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आप लोग को कीनिया, जो बेसिकली अफ्रीका के अंदर में एक कंट्री है, वहां पर देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग को कीनिया देखना है तो यहां पर हम लोग देखेंगे, अभी एक सेकेंड, वन सेकेंड, रुक कैसे गया भैया, एग्जैक्टली आप लोगों के सामने यहां पर कीनिया, तो ये कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, बेसिकली अफ्रीका के अंदर में, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो कीनिया के अंदर में नैरोबी है जो कि यहां पर इसकी कैपिटल है, उसमें आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रखना है यहां पर, और रिपोर्ट के बारे में, और यूएनईपी जो है अगर उसके बारे में कोई आप लोगों से पूछ ले तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1972 में, ठीक है, 1972 में यहां पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट के ऊपर में। तो उस टाइम पर यूएनईपी को एस्टेब्लिश किया गया कि कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो हमारे एनवायरमेंट के बारे में ध्यान रखे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन अगर बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा एक अवार्ड के बारे में, क्योंकि अवार्ड जो है उससे भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं यहां पर, तो एक अवार्ड भी कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहा रिसेंटली अभी, और यह है प्रिट्जर प्राइज। जैसे आप लोग नॉर्मली नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं, वो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं, बताइए किस किस फील्ड में दिए जाते हैं। एक बात बता दूं आप लोगों को, जब भी कोई भी एग्जाम आप लोग देने जाओ तो कोशिश करना लास्ट 2 ईयर के नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं, ठीक है।
तो यहां पर ये जो प्राइज है ये नोबेल प्राइज माना जाता आर्किटेक्चर के फील्ड में, यानी कि किसी ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जिसको देखकर सब हैरान रह गए, वाह यार इंसान ने क्या बना दिया। और कुछ ऐसी कलाकारी अगर वो इंसान करता है तो उसके फील्ड में ये अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो ये अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है रेकेन यमांतो, ठीक है। तो यमामोटो तो बेसिकली ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो कि आर वाई के नाम से आप लोग याद रख लेना, रिकेन यामामोटो। तो ये जापान की एक पर्सनैलिटी है जिनको 2024 का ये प्रतिजर प्राइज जो है ये यहां पर अवार्ड किया गया। ये जो प्राइज है यहां पर जे ए प्रिजर और उनकी जो वाइफ है जिनका नाम था कैंडी, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में। और तब से ग्लोबली ये एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि नोबेल प्राइज की तरीके से इसको देखा जाता है आर्किटेक्चर के फील्ड में, यानी किसी ने कुछ ऐसी चीजें बना दी कि लोग जो है देखकर हैरान रह गए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जापान के अंदर में नॉर्मली ये प्राइज कई बार दिए जाते हैं जापान के लोगों को। रीजन क्या है, वहां पर बहुत ही फ्रीक्वेंटली बड़ी जल्दी जल्दी वहां पर आप लोगों को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और सुनामी आती हुई वहां पर नजर आती है। तो इसके चलते वहां पर ये लोग जो है ऐसे ऐसे आविष्कार करते रहते हैं कि अगर कल को भूकंप आए तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर ये अवार्ड जो है लोगों को जल्दी मिलता रहता है। 2024 का आप लोग याद रखेगा, 2023 में भी क्या किसी को मिला था? अगर हाँ तो उनका नाम बताइए, फिर पूछूं तो लास्ट अवार्ड किसको मिला था ये भी आप लोगों को बताना है। ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, देखता हूं कौन बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे सेक्शन यहां पर कवर किए जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल की न्यूज में कवर करूंगा। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में होती है तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसी न्यूज होती हैं जैसे कि जिसके ऊपर में एक दूसरा देश कमेंट करता है, बाकी का कई सारी लोकेशन भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। अभी हुआ क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आप लोगों को पता है यहां पर ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है, तो अगर पूरी दुनिया में कितने भी लोग क्यों ना मर रहे हो, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा पैलेस्तीन के अंदर में हजारों लोगों की जान चलेगी, म्यांमार के अंदर में ऐसे ही हजारों लोगों की जान चलेगी, अफगानिस्तान के अंदर में दुनिया भर की जान जा रही है। यहां पर ये जो कम्युनिटी है इनकी जान जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये सारी की सारी मुस्लिम कम्युनिटी की जान जा रही है। पर लेकिन यहां पर बोला क्या गया है, जो पाकिस्तान है और जो आज की डेट में तुर्की है वो इंडिया को यहां पर क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो है कुछ लोगों को यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई। मतलब ये है दोगलापन। अगर रियलिटी में अगर आप लोग इंसानियत के नाते अगर चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, उनके बारे में आप लोग कुछ बोलते नहीं है। अभी यहां पर 55वीं ह्यूमन राइट काउंसिल की जो मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन की, उसमें इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। भाई साहब फिर क्या था, इंडिया ने भी धर के ले लिया, तो ये कोई थोड़ा तरीका थोड़ी ना है। तो ये सारी चीजें की जाती है, बार बार न्यूज में आता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में 15 मार्च को। तो ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और ये एक ऐसी बॉडी है जो कि प्रमोट करती है कि कैसे हम लोग इंसानों के अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं। ये नहीं देखती कि यहां पर इंसान जो है वो किस देश का है, ये बस इंसानों के बारे में बात करती है, ठीक है। ये ऐसी बॉडी है जिसके अंदर 47 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अफ्रीका से 13 है, एशिया और पैसिफिक से 13 है, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट से 8 है, वेस्टर्न वर्ल्ड से यहां पर आप लोगों को 7 देखने को मिलेंगे यूरोप वाले एरिया से खासकर, और ईस्टर्न यूरोप से तो 6, यानी कि टोटल मिलाकर 13 ही कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगे यूरोप से, ठीक है। 13 कंट्री आप लोग अफ्रीका से, एशिया और पैसिफिक अगर दोनों को मिला दो तो 13, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 8 लोग, तो ये यहां पर आप लोगों को मेंबर नजर आएंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ऑर्गेनाइजेशन कई बार पूछ ली आती है तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। दोस्तों यहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, इसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी रिसेंटली यहां पर हमारे देश के अंदर में पता चला अगर बारिश कम होती है, पता चला बारिश ज्यादा हो रही है, पता चला हमारे देश के अंदर में कोयला ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो कई बार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। इसने बोला है कि जब जब इंडिया के अंदर में मानसून जो है वो वीक रहता है, यानी कि अच्छा मानसून नहीं होता है, यानी कि बारिश हमारे देश में अच्छी नहीं होती है, तब तब कार्बन का एमिशन यानी कि CO2 का एमिशन आप लोग बोल सकते हो ज्यादा होता है। रीजन क्या है, हमारे यहां पर अगर पानी कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि किसान खेतों में पानी चलाते हैं, सबसे ज्यादा पानी तो हमारा वहीं पर जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंसान अगर यहां पर गर्मी में मरेंगे तपेंगे, 24 घंटे यहां पर AC पंखे वो सब चलाते हुए नजर आएंगे गर्मियों में अगर हम लोग बात करें तो इसीलिए यहां पर जब जब बारिश कम होती है तब तब एमिशन ज्यादा होता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बारे में बात करती है कि एनर्जी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, इसी के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए,
तो ये तीन ई पर काम करती है। और ये रिसेंटली अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो कौन से थ्री ई हैं जिन पर ये काम करती है। ठीक है, यहां पर एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एनर्जी। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिली थी। वहां पर एमिशन लिखा हुआ था एक ऑप्शन के अंदर में, तो कुछ और भी दे देंगे वो ई लिखकर यहां पर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया जो है वैसे मेंबर नहीं है पर एसोसिएट मेंबर है इसका। ओनली ओईसीडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके मेंबर है, जो अमीर देश है, लगभग 30 मेंबर है। ये बना ही उस टाइम पर गया था जब ऑयल क्राइसिस देखने को मिला 1974 में, तो बनाया गया इसको जब 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिला। तो यहां पर याद रखना, खासकर चाइना, इंडिया और रसिया ये नॉन मेंबर कंट्री हैं, पर लेकिन इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है, नहीं तरीके से वैसे मेन मेंबर नहीं है, पर हाँ ठीक है मिलजुल कर काम करेंगे क्योंकि जरूरी भी है। अगर भारत मिलजुल कर काम नहीं करेगा तो कैसे कार्बन एमिशन को कम करेंगे, तो इसलिए इंडिया और चाइना ही अगर इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहेंगे तो इस ग्रुप का कोई मतलब रह जाता है। यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश अगर इस ग्रुप से बाहर हो जाए तो फिर इस ग्रुप का मतलब क्या है। तो इसलिए यहां पर इंडिया जो है उसके ऊपर में बड़ा फोकस रहता है इसका, बार बार कई सारी रिपोर्ट वगैरह भी प्रस्तुत करते रहते हैं हमारे देश भारत के बारे में। तो याद रखना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर में देखने को मिलेगा। गाना सुना है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, यहां पर है क्यों सोना सोना करता है, क्यों तो सोने पे तू मरता है। यानी कहते नहीं गोल्ड लेके आई है भाई साहब, लड़की हाँ देगा समाज के अंदर में कि बहू जो है वो कितना सोना लेके आई है, तो वो चीजें हैं यहां पर, तो उसका अपोजिट कर दो बस। आरबीआई ने ये बोला है कि पिछले 2 में ऑलमोस्ट हम लोगों ने हाईएस्ट जो है वो गोल्ड परचेज किया है। गोल्ड को लोग जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से भी आज की डेट में देखने लगे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कभी घर में शादी होती थी तो सोना खरीदा करते थे, अभी आज की डेट में उस सोने का भाव जो है वो एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है। तो जिसने उस टाइम पर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, ये समझो कि आज की डेट में वो एक नेक्स्ट लेवल पर अपना जो है प्रॉफिट कमा चुका है पिछले कुछ ही सालों के अंदर में। तो इसको ध्यान कौन रखता है सोने के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना इसके लिए है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो इसका ध्यान रखती है। तो इसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है। ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, ठीक है, जो कि यहां पर गोल्ड जो है उसके बारे में ध्यान रखती है, यहां पर चलती है। और इसी के साथ में बात करें तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड जो एनुअल गोल्ड कंजप्शन है वो देखने को मिला, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर जो रहते हैं वहां पर वो मेंबर हैं, और मैनी जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं वो भी इसके साथ मिलकर काम करती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्रिएटर जो था वो फर्स्ट गोल्ड एक्सचेंज वो ट्रेड फंड के तौर पर भी, देखो आज के डेट में सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, गोल्ड को बड़े ही डिफरेंट तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं। आज के डेट में अगर गोल्ड जो है उसको हम लोग एक तरीके से, एक नहीं हमारे देश के अंदर में बात करें, हम लोग कई बार देखा होगा महिलाएं जो होती हैं गोल्ड खरीद लेती हैं, खरीद कर हम लोगों ने उनको अलमीरा में रख दिया। ठीक है, हमारे यहां पर बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर गोल्ड चढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग अनयूज्ड रिसोर्सेज के तरीके से मानने लगते हैं और इकोनॉमी पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। कैसे, ये ऐसा है जैसे बाहर से कोई मशीन आप लोग खरीद कर लेकर आए और उसको बक्से में बंद करके रख दिया, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे, तो वो कोई मतलब की रह नहीं गई है। तो इसलिए अब ये बोला जाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसी चीजों पर अपने पैसे इस्तेमाल करने चाहिए जिनको हम लोग यूज कर सके। तो इसलिए इंडिया में जब गोल्ड आता है तो सरकार इसीलिए बॉन्ड लेकर आती है। बॉन्ड क्या है, गोल्ड जैसा ही कागज का पेपर, जितना इन्वेस्टमेंट आप लोग गोल्ड में करते हो उतना बॉन्ड खरीद लो ताकि बाहर से हम लोगों को गोल्ड न खरीदना पड़े। तो ये इसके चलते यहां पर इंडिया कई सारी स्कीम भी चलाती है। तो इसके बारे में याद रखना, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को लंदन के अंदर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए हल्का सा तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बाकी गोल्ड किस किस को पसंद है बताइए जरा। कई बार है ना, कई सारे लोग जो होते हैं जो उनको अंगूठी वगैरह पहनने का बड़ा शौक होता है, अंगूठी माला वगैरह पहनने का, आप लोगों को है? देखो लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लड़कियों को तो खैर नॉर्मली समाज में इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है कि उनको तो एक तरीके से ये स्टार्टिंग से लेके चला जाता है, ठीक है, कि लड़कियां जो है ये चीजें पहनेगी। पर लड़कों में भी कई चीजें मैंने देखी है, कई सारे दोस्त थे जो बड़ी बड़ी सोने की चैन पहन के घुमा करते थे। मुझे कभी भी ये चीजें जो है पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी, मतलब मैंने कभी भी इन चीजों को पहना नहीं है, फिर आप लोग बोल सकते हैं इस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं देश की इकोनॉमी के बारे में सोचता था, ठीक है, पर हाँ ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि हाँ ऐसी भी कुछ चीजें हैं कि कई सारे लोग बड़ी शौक में लेते हैं बप्पी लहरी टाइप में, ठीक है। तो ये 1987 में यहां पर ये जो बॉडी है ये बनाई गई थी और तब से लेकर यहां पर ये अच्छे से शानदार तरीके से अपना काम करती है, यहां पर नजर आती है, ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताइए, यहां पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि गोल्ड जिसके पास में जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर कहलाता है, ठीक है। और आज की डेट में यहां पर यूएसए जो है उसके पास में आप लोगों को कम गोल्ड ही मिलेगा, यूएसए टॉपर है, जर्मनी, इटली, मतलब हमारा नहीं, जहां जो हमारी लोकेशन है वो अभी भी काफी नीचे है।
ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर हमारे देश में अच्छी बात क्या है, हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके पास में गोल्ड है, ठीक है। पर लेकिन दूसरे जो यहां पर आप लोग अगर देखोगे हमारे देश की महिलाओं के पास में जो गोल्ड है उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत यह है कि ये कोई ज्यादा कंसिडर होता नहीं है सरकार के पास में जो गोल्ड होता है। वरना जो महिलाओं के पास में गोल्ड है वो है 21,000 मतलब सोच के देखो इनके सबके भी जोड़ लोगे ना आप लोग, ये आसपास में नहीं आएंगे जितने हमारे देश में महिलाओं के पास में गोल्ड है। पर सरकार के पास में जो गोल्ड है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो 21,733 हमारे देश की महिलाओं के पास में गोल्ड है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो गोल्ड हम लोग अपनी इकोनॉमी के लिए यूज नहीं कर सकते, ये दिक्कत है यहां पर। दुनिया भर में जो गोल्ड है इंडियन वुमेन जो है उसका 11% जो है वो होल्ड करती है, और 11% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो काम आएगा, रखा हुआ है घर में घर में पड़ा है सोना, फिर काहे कोरोना। तो ये चीजें हैं जो आप लोग थोड़ी सी बेसिक याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी एक न्यूज रही दोस्तों जिसने बहुत ज्यादा एक तरीके से सुर्खियां बटोरी, क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा इस्लामोफोबिया के बारे में बात की जाती है, यानी कि इस्लाम के नाम पर फोबिया। तो अभी फिलहाल के टाइम पर दिक्कत क्या देखने को मिलती रही, दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि जब इस्लामोफोबिया के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर इसको जो रिजोल्यूशन था उससे एब्सटेन कर गया। एब्सटेन का मतलब क्या था कि हम लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आखिर इस्लाम के नाम पर ही फोबिया की बात क्यों करते हैं। आज की डेट में अगर कोई बुद्धिज्म है उसको लेकर भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो भी कई बार दिक्कत में रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर हिंदूज हैं पाकिस्तान में, वो आज की डेट में दिक्कत में देखने को मिलते हैं। मतलब दूसरी कम्युनिटी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, तो यहां पर ओनली इस्लाम के बारे में ही क्यों बात की जाती है। तो इंडिया ने ये बोलकर इससे एब्सटेन कर दिया, यानी कि हम लोग पीछे हट गए। किसमें? यूएन की जो जनरल असेंबली है जब उसमें ये मीटिंग देखने को मिली। आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, यूएनजीए जो है वो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है और यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है। 6 जो यूएन के ऑर्गन है उनमें से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ओनली ऑर्गन है जिसमें ऑल द मेंबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है इसका, और यहां पर ये सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं अपने, रिकमेंडेशन देते हैं जो काउंसिल को। नॉन परमानेंट आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे ये टू द सिक्योरिटी काउंसिल, और यहां पर ये यूएन का बजट भी अप्रूव करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, उस बॉडी में इंडिया यानी कि भारत ने एब्सटेन मार दिया। यानी कि हम लोगों ने बोला कि यार हिंदुज्म के बारे में भी आप लोग बात करो, सिखिज्म के बारे में बात करो, आप लोग आखिर इस्लाम के बारे में ही क्यों बात करते हो? क्योंकि आज की डेट में दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो दूसरे रिलीजन के हैं और वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा ये कॉन्ट्रोवर्सी बन गई थी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दुनियादारी में चल क्या रहा है, ओके। नेक्स्ट न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाना चाहता हूँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आप लोगों के सामने, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रिसोर्सेज की जो है वो काफी ज्यादा कमी है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर आज की डेट में दुनिया जो है, मतलब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है। तो लोग क्या है यहां पर लोन देते हैं, इनके रिसोर्सेज निकालकर लेकर जाते हैं, और यहां पर इनको फायदा भी नहीं होता है। तो इसके चलते अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने, जो उनके चीफ हैं, उन्होंने बोला कि ये ओपेक लोन दिए जा रहे हैं, इनके धुंधले लोन है जिसमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यहां से दोहन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर खासकर जैसे चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, तो इनके बड़े बड़े खोखले वादे यहां पर आ रहे हैं और अपना काम निपटाकर जा रहे हैं। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इसकी वजह से न्यूज में आया और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिला। अफ्रीकन डेवलपमेंट जो है वो बोल रहा है कि एंड किया जाए जो लोन आज की डेट में दिया जा रहा है ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ठीक है, इन द यूज ऑफ स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक कार के नाम पर जो लोन दिए जा रहे हैं उनको यहां पर हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया जा रहा है, ठीक है। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखिएगा, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं ऐसे ही अफ्रीका के अंदर में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराता है अफ्रीकन कंट्री को और रीजनल जो मेंबर है बेसिकली, ठीक है, तो उनमें इन्वेस्ट करता है। ये 1948 में बनाया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में आ गया है, तो याद रखना है यहां पर अबिदजन, ये कोट डी आइवरी, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर ये नजर आता है, ठीक है। तो ये हेडक्वार्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, बट ये दो आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है,
तो बट इट मूव टू द जो यहां पर टूनिशिया इन 2023 बिफोर रिटर्निंग टू द सेप्टेम्बर, यानी कि घुमा फिरी चल रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के टाइम पर जहां पर है वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में प्राइमरी फंक्शन भी है यहां पर आज की डेट में, लोन देना इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि किसी न किसी तरीके से बेसिक फंडा इसका ये रहता है कि कैसे रीजनल जो मेंबर हैं उनकी हेल्प की जाए ताकि वो दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट न रहे। पर लेकिन अफ्रीका कंट्री कैसी है, अफ्रीकन आप लोगों को पता है कि काफी गरीब कंट्री है, तो जैसे तैसे उनका गुजर बसर चल रहा है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बैंक ने तो सही बोला है, बाकी देखो आगे क्या चीजें निकल कर आती है। हर एक इंसान जो है चाहता है कि लोन ना हो, क्योंकि जितना लोन होगा उतना ही उनके ऊपर में प्रेशर बनेगा बाहर के देशों से, है कि नहीं। हमारे देश के बारे में जब कहीं बात आए निकलकर तो उसके ऊपर में एक तरीके से कहीं ना कहीं फोकस देना बनता है। बात की जा रही है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में। दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसके सेक्रेटरी हैं नीरज मित्तल साहब। तो नीरज मित्तल साहब जो हैं वो यहां पर एक तरीके से इंडिया के टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं, और उनको ITU का जो है बेसिकली अभी उनका को चेयर उनको इलेक्ट कर लिया गया है। हमारे देश में जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया ना, उसके सेक्रेटरी हैं और इनको इलेक्ट कर लिया गया है को चेयर पर्सन के तौर पर, जो यहां पर डिजिटल इनोवेशन बोर्ड है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे देश का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए तो डायरेक्ट नाम आप लोगों से पर्सन इन न्यूज में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में काम कर रहे थे, तो अब यहां पर ये काम करेंगे किसके में, ITU के अंदर में, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन पर काम करती है। तो यहां पर इसके 193 तो मेंबर हैं जो कि कम नहीं है, और लगभग 900 के करीब आप लोगों को यहां पर इसके अलग अलग प्राइवेट जो सेक्टर में एंटिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे जो कि इसके साथ में मिलकर काम करते हैं हेडक्वार्टर जनेवा के अंदर में। ये ओरिजिनली स्टेब्लिश किया गया था 1865 में, बाबा आदम के जमाने का इंस्टीट्यूशन है, तो कोई ज्यादा नया भी नहीं है। तो यहां पर ये इसको इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के नाम से जानते थे, पर लेकिन आज की डेट में इसका नाम आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ITU जो है वो रेस्पॉन्सिबल है एलोकेशन के लिए ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड द सेटेलाइट ऑर्बिट। इंडिया जो है वो एक रेगुलर मेंबर है 1952 से, और इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल के लिए अनदर 4 टर्म के लिए, पहले ऑलरेडी यहां पर रह चुका है, अब आगे की 4 साल के लिए और भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है यहां पर कि हमको इंटरनेशनल लेवल पर ये सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये चीज जो है वो अप्रिशिएट करने लायक भी है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अभी आप लोगों को पता है जहां भी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये निकल कर आती है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंट्रोल करना है और कोयले को कैसे रोकना है। तो उसी चीज के ऊपर में फोकस किया गया न्यूक्लियर एनर्जी। उसने बोला कि यहां पर एक मीटिंग हुई जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी समिट में बोला गया कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग यहां पर 0 एमिशन को लेकर आ सके। मतलब हम लोग नहीं चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल कर आए और हम लोग कोयले का इस्तेमाल करें, तो कोयले के इस्तेमाल को यहां पर रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम के अंदर में यहां पर पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट आप लोगों को देखने को मिली। ये एक इनिशिएटिव था कोलैबोरेट किया गया जिसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में, और इनका फोकस ये था कि एटम्स फॉर नेट जीरो, यानी कि एटम्स यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना है नेट जीरो यानी कि एमिशन को जीरो करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं आप लोग डीकार्बनाइज करने के लिए। डीकार्बनाइजेशन मतलब यानी कि कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेंगे। तो इसके ऊपर में फोकस किया गया इंटरनेशनल लेवल पर। यह काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वैसे वैसे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसकी वजह से ओशन का लेवल यानी कि समुद्र का लेवल स्तर बढ़ रहा है, जिससे कि बहुत सारी जो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं आइलैंड वाली, वो डूबती ही नजर आ रही है। तो इन चीजों पर फोकस देना जरूरी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो बखूबी यहां पर इस चीज को समझती है, तो इसलिए मिलकर काम करती है यूनाइटेड एजेंसी। ये एक तरीके से यूनाइटेड जो UN की एजेंसी है और वर्ल्ड की सेंट्रलाइज इंटर गवर्नमेंट फोरम के तौर पर काम करती है कि कैसे कोऑपरेशन प्रोवाइड कराना है अगर कोई न्यूक्लियर के फील्ड में काम करना चाहता है। फॉर्म किया गया था 1957 में और हेडक्वार्टर आप लोग को वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। 171 मेंबर है और डायरेक्टर जनरल जो है यहां पर बेसिकली इसको मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज 2005 में। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आज की डेट में दुनिया के हित के बारे में बात कर रही है। तो बहुत ही बेसिक भी है और फाउंडेशन भी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इसके बारे में होना चाहिए। अपने देश में भी बहुत सारे प्रोग्राम है दोस्तों जो न्यूक्लियर एनर्जी पर काम किया जा रहा है, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे गुजरात, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कर्नाटका,
चाहे उत्तर प्रदेश चाहे तमिलनाडु, आप लोग हर जगह आज की डेट में हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन का पेट पालना आसान नहीं होगा, और अगर हम लोग इसको कोयले के ऊपर में पड़कर पेट पालेंगे तो दुनिया भर में नुकसान होगा, क्योंकि हमारे पास में भी कोस्टल एरिया है लगभग 7,500 किलोमीटर, तो अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो दिक्कत होगी, हमारा अंडमान निकोबार दिक्कत में जाएगा, हमारा लक्षद्वीप दिक्कत में जाएगा, तो हमको भी इस चीज पर फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रही चीजें जो कि आप लोग समझ सकते हैं, और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, है कि नहीं, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनर्जी के बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आइडिया होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या है और हमारे देश में क्या है, बेसिक फाउंडेशन आप लोगों का तैयार होना चाहिए, है कि नहीं। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस के बारे में, गवर्नेंस बोले या फिर आप लोग स्कीम बोलो या फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बोलो, तो एक ही बात है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नीति आयोग के एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में, जिसका नाम रखा गया है नीति फॉर स्टेट्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके लिए यहां पर नीति फॉर स्टेट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसा मंच जहां पर मिलकर बात कर सके, जैसे हम अगर बात करें YouTube पर लेक्चर लेते हैं, एप्लीकेशन पर लेक्चर लेते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए YouTube हो गया या फिर स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन हो गया, तो ये आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म हो गया एक तरीके से, जहां पर आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसे ही यहां पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर, जिसमें यहां पर पब्लिक पॉलिसीज जो है खासकर और गवर्नेंस जो है उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह काम चलेगा। तो मल्टी सेक्टरल ये आप लोगों को एक सिस्टम देखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की जाएंगी, डेटाबेस तैयार किया जाएगा, कैसे कैसे प्रोफाइलिंग करनी है और कैसे कैसे बिजनेस बेसिकली बनाने हैं, नीति आयोग उसमें पब्लिकेशन भी करेगा, मतलब नीति आयोग की सपोर्ट से यहां पर काम करने वाले हैं, देश के अंदर में जो बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस ये तैयार कर फायदा क्या होगा। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अगर आप लोग रियलिटी में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर फाउंडेशन तैयार करना चाहिए। पहले आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि पहले सिलेबस पढ़ो उस पेपर का जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, फिर आप लोग यहां पर उसके पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, इससे अंदाजा लगेगा कि एग्जाम का नेचर क्या है, फिर आप लोग एनसीईआरटी पर एंट्री मारो, आप लोगों का फाउंडेशन तैयार होगा, और फिर आप लोग चीजों को आगे लेकर चलो। इतना तो काम हर एक इंसान को करना पड़ेगा अगर वो अच्छे लेवल पर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो ये चीज एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ही फाउंडेशन बनेगा यहां पर, जब चीजें पास में आएगी, डेटा पास में आएगा, क्या सही है क्या गलत है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तभी चीजें जो है वो हम लोग फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही थी जब मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को डेली जो न्यूज़पेपर डिस्कशन आता है मॉर्निंग में उसमें पढ़ाया था, उस टाइम पर भी मुझे लग रहा था और ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम के अंदर में, क्योंकि यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी जो कि कई सारे लोग रोकते हुए नजर आएंगे, पर लेकिन ये जरूरी भी है, क्योंकि बोलते हैं हां सही नहीं है, पर लेकिन कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर बात की जा रही है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, जिसका नाम उन्नति रखा गया है, UNNATI 2024। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में टोटल मिलाकर हमारे पास में 8 स्टेट हैं, तो उनमें कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, तो इसके ऊपर में फोकस दिया जा रहा है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम लोग इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर में फोकस कर सकते हैं, कैसे हम लोग यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये बेसिक चीज होगी। इसके लिए जनरेट करेगा इंप्लॉयमेंट, क्योंकि अगर कहीं पर कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई भी अगर इंडस्ट्री लगेगी, तो लोगों को तो जॉब मिलेगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहां पर अगर कोई छोटा सा कहीं पर एक इंस्टीट्यूट खुल जाता है, कोई स्कूल खुल जाता है, कोई किराने की दुकान खुल जाती है, 4-5 लोग काम करते हुए नजर आते हैं, तो यहां पर काफी खासा अच्छा खासा जॉब लोगों को मिलती हुई नजर आएगी, और इससे यहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा उस पर्टिकुलर एरिया का। देखा नहीं कहीं पर अगर स्कूल वगैरह खुल जाए, वहां पर फोटोकॉपी की दुकान खुल जाती है, पराठे वाले, चाय वाले, ठीक है, होटल बन जाते हैं वहां पर आसपास, हॉस्टल बन जाते हैं आसपास में, वहां पर बुक स्टोर बहुत सारे आ जाते हैं, ये सारी चीजें। तो जहां पर एक चीज होती है तो दूसरी अपने आप आने लगती है। फोकस ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो राज्य हैं उन पर कैसे फोकस किया जाए, कैसे उसमें इंडस्ट्रीज और एक्सपेंशन किया जाए ताकि वहां से और ज्यादा उनको सपोर्ट मिल सके, और नोडल कौन है यहां पर काम करने वाला मेन बॉस, वो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसमें अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहां पर की जाएगी, तो ये चीजें याद रख सकते हैं। एक प्रोजेक्ट उन्नति एमजी नरेगा के अंदर भी है, इसके बारे में भी याद रख सकते हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करना।
ये यहां पर उन्नति स्कीम है और ये प्रोजेक्ट उन्नति है, जिसमें यहां पर 3 साल के लिए बेसिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है एमजी नरेगा के अंदर में, 18 से लेके 45 साल के अंदर में। तो ये एक अलग चीज है, तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, इसलिए इसकी पिक्चर भी यहां पर लगा दी है, ठीक है? क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार ये है वो है क्या है, तो इसलिए माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है? बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ओके? तो ये भी याद रखना, उन्नति किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, ठीक है? दोस्तों यहां पर भी आप लोग चाहे तो स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये आज की प्रक्रिया नहीं है, ये लंबे समय से चली हुई आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने अनाउंस किया यहां पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, और उसमें उन्होंने टोटल 500 करोड़ रुपए की जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2024 तक का। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि ये जो ड्यूरेशन इनके द्वारा यहां पर ये लिया गया, इसका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे यहां पर चीजों को ये आगे लेकर चलने वाले हैं अच्छे लेवल पर, ठीक है? यानी कि इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये प्रोसीजर में आ चुकी हैं चीजें, ये टाइम दिया जाता है का मतलब ये होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर में, ठीक है? तो यहां पर जैसे ये टाइम निकल गया तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर एनालिसिस करें कि किस तरीके से चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अभी यहां पर एम क्या है, आप लोगों ने पहले भी देखा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर में काम की थी कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आ सकते हैं देश के अंदर में। इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है, इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रही है, इलेक्ट्रिक छोटे छोटे जो टेम्पो वगैरह चलने स्टार्ट हो गए आज की डेट में, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चलने स्टार्ट हो गई है। तो काम तो चल रहे हैं भाई साहब देश के अंदर में, उसको और अच्छे लेवल पर कैसे लेकर चल सकते हैं, तो ये स्कीम है जिसमें 500 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। अभी यहां पर और अच्छे से लेवल लेकर चलेंगे, जिसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर को लेकर चलेंगे, और इसमें बेसिक फोकस रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्री का, वो चाहते हैं कि चीजों को अच्छे से लेकर चला जाए यहां पर, ठीक है? तो इसलिए इसके बारे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो प्रमोशन स्कीम है, ये छोटे लिंक कहते हैं कि कुछ ड्यूरेशन के लिए हम लोग चीजों को अच्छे से लेकर चले, उसके लिए काम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रहेगा तो माइंड में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है? दोस्तों ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है कि यार हेल्थ इज वेल्थ, हमेशा ये तो होती है, ठीक है? पर लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जो न्यूज है वो भी कई बार काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा एक एक न्यूज को। दोस्तों शायद पता नहीं आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो जरूर सुना होगा। 10,000 के करीब केस देखने को मिले 70 दिनों के अंदर में केरला के अंदर में, ये यहां पर मम्स की वजह से। मम्स क्या है, जैसे आपने कई बार जाड़ सूज जाती है, यहां पर जाड़ में दर्द होता है तो सूजन बन जाती है, तो इस तरीके कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो चेहरा जो है वो सूजन आ जाती थी, और ये जिसकी वजह से हो रहा था ये बहुत ही खतरनाक लेवल पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा था, ये है पैरामैक्सो वायरस। तो पैरामैक्सो वायरस जो है ये डायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा था हमारे जो बेसिकली मुंह वाला पोर्शन होता है, जबड़े वाला पोर्शन जो होता है, उसमें यहां पर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली पैराटाइड ग्लैंड, ठीक है? तो पैराटाइड जो ग्लैंड है वो यहां पर हमारे मुंह के अंदर में सलाइवा बनाने का काम करता है, तो उसमें भी पेन होने लगता है, और खासकर बच्चों में और बुजुर्ग में दोनों में ये देखने को मिल रहा था। अच्छी बात यहां पर यह कि इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है, पर लेकिन ये काफी फास्ट फैलने वाली बीमारी है, बच्चों में काफी ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। इन्फेक्शन कॉमन है विंटर में, और खासकर जो स्प्रिंग वाला मौसम रहता है उसमें, और यहां पर ये जल्दी ही ऐसा नहीं कि लंबे समय तक टिकी रहती है, पर लेकिन एक साथ बहुत सारे लोगों को हो जाए तो फिर यार दिक्कत तो सोचने वाली बन जाती है कि क्या हो गया यार इमीडिएटली। और कोई बीमारी ऐसी है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैलती है तो फिर वो इंटर स्टेट बीमारी बन जाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एंट्री करनी पड़ जाती है, जैसे COVID-19 के टाइम पर अभी चीजें देखने को मिली थी। तो इसलिए इन चीजों को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहना लाजमी है, आज की डेट में ऐसी बीमारी आ रही है लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार कौन सी बीमारी कहां से आगे किधर चलेगी, तो इसलिए इन चीजों के बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर रख सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ओके? कई बार कहते हैं लड़का और लड़की में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, पर लेकिन कुछ बीमारी ऐसी हैं जो बता देती हैं कि आप लोगों को फर्क है। ऐसी एक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की स्टडी की गई अभी यहां पर, और इसकी थेरेपी के बारे में बात की गई कि जीन थेरेपी इस्तेमाल की जाएगी हीमोफीलिया को लेकर, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो पेरेंट्स से बच्चों में फैलती हुई भी नजर आती है। और यहां पर अभी वेल्यूर के अंदर में जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वहां पर इसके लिए स्टडी की गई, ताकि इसके लिए हम लोग काम कर सकें। हीमोफीलिया जो है यहां पर ये बेसिकली खतरनाक क्यों है, मान लीजिए किसी इंसान ए है जिसका नाम, किसी इंसान का नाम टीटू है। अब टीटू को मान लीजिए कोई चोट लग गई, अब चोट लगने के बाद में उसकी बॉडी से खून बहे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर चोट लगती है खून बहता है तो हमारी बॉडी के अंदर में क्लोटिंग हो जाती है, यानी कि थक्का जम जाता है और वहां पर एक खुरन टाइप में जम जाता है।
पर लेकिन बॉडी जब वो खुरंड बनाने की क्षमता खो दे, थक्का जमाने की क्षमता खो दे, तो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग जब एबिलिटी खत्म हो जाए, तो सोच के देखो अगर चोट लग जाए तो शरीर में से जरा से भी अगर नाखून भी लग जाए तो खून जो है वो रुकेगा नहीं। तो ये बीमारी है, ये बीमारी जो है वो सेक्स के साथ में काफी अच्छे से लिंक है, यानी कि जैसे एक्स क्रोमोसोम्स जो कि हैवी होता है खासकर मेल के अंदर में, तो इसलिए यहां पर मेल के साथ में कनेक्टेड है यहां पर, और इसीलिए यहां पर मेल्स के अंदर में ज्यादा देखने को मिलता है हीमोफीलिया एज कंपेयर टू फीमेल। ये स्टडी भी यहां पर इसके बारे में बताती है। ये टोफीज नहीं है ठीक है ये रेड ब्लड सेल्स है। यहां पर उनकी थक्का जमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हीमोफीलिया के बारे में आप लोग यहां पर याद रखेगा कि कैसी बीमारी है और इसके ऊपर में स्टडी की गई, ये डिसऑर्डर कैसा है, किसकी वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है वाइफ की, और अगर आप लोगों को ये पता रहेगा तो फिर आप लोग ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मेल में ज्यादा होता है या फिर फीमेल में, तो इस चीज को भी आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप लोगों को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी दोस्तों आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई और आपकी जगह आकर उसका सॉल्यूशन निकाल दे तो ये पॉसिबल नॉर्मली होता नहीं है। ऐसा ही एक यहां पर तरीका हुआ, ये है याउंडो डिक्लेरेशन। तो नाम से पूछ लेंगे याउंडो डिक्लेरेशन क्या है तो आप लोग एकदम घूम जाओगे कि यार इसके बारे में सुना नहीं है पढ़ा नहीं है, पर लेकिन अगर पढ़ा होगा तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। 11 अफ्रीकन देश जो है वो साथ में आए और उन्होंने बोला कि मलेरिया को हम लोग खत्म करेंगे, यानी कि मच्छर जनित बीमारी जो खासकर मलेरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए अफ्रीका कंट्री ने मिलकर अपने आप ही बोला कि यार इसको हम लोग खत्म करेंगे, और उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया यहां पर WHO के साथ में मिलकर कि यहां पर कि हम लोग इसको खत्म करेंगे, यानी कि WHO भी यहां पर पार्ट था। तो यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कैमरून जो कंट्री है वो यहां पर इसको होस्ट कर रही थी। कैमरून की कैपिटल है योंडे। तो यहां पर याद रखना अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो आप लोगों से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, तो अगर चीजें आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर भी आप लोग देखते हैं ये हो गया कैमरून, तो ये पर्टिकुलर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी और याउंडे आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है, ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी आप लोगों के सामने। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का तैयार हो जाता है साथ साथ में, तो इसलिए याद रखना। ऊपर लेक चैड भी है यहां पर जो कि कई बार पूछ ली जाती है किन किन देशों के बीच में, तो यहां पर ये कैमरून के साथ भी कनेक्ट करती है, नाइजीरिया के साथ भी और चैड के साथ में भी। अब ये कंट्री कौन सी है इसका नाम आप लोग बताइए, देखता हूं कौन आंसर देता है। मैप बेस्ड थोड़ा सा तैयार होना चाहिए। 11 कंट्री मिलकर यहां पर कैमरून के अंदर में आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर कि हम लोग मलेरिया को खत्म करेंगे क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। और मलेरिया क्या है, वो एक मच्छर जनित बीमारी है, इवन हमारे देश के अंदर भी काफी इम्पैक्ट डालती है, हालांकि हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर में काफी लार्ज स्केल पर, सरकार जो है मुहिम चलाई जाती है, पर मलेरिया जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, यानी कि लोगों की जान तक लेने वाली बीमारी है ये मच्छर अगर काट ले। कौन सा मच्छर काटता है तो याद रखना, यह एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि जो फीमेल मच्छर है बेसिकली वो काटती हुई नजर आती है और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए ये एक मच्छर जनित बीमारी है। तो हेल्थ के बारे में जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को हल्का सा आइडिया रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा बच्चे दो ही अच्छे, आप लोगों ने अब तो ये भी सुन लिया होगा हम दो हमारा एक, ऐसी ऐसी भी न्यूज आप लोगों को निकल कर आए थे। तो इसी के चलते यहां पर इंडिया के ऊपर में बेसिकली यहां पर शंकाएं जताई जा रही है। एक लैंसेट, ये पर्टिकुलर ये एक जर्नल है जो कि हेल्थ के ऊपर में काम करता है, इसने ये बोला है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो बर्थ रेट है वो घटकर 2.1.29 पर आ जाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर दिक्कत आ गई। तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करूंगा, डिक्लाइन हो रहा है फर्टिलिटी रेट उसके बारे में बात करेंगे, और लाइव बर्थ क्या है, क्या कंडीशन बनने वाली है आने वाले टाइम में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे देश में 1950 में जो लाइव बर्थ रेट था वो था 1.6 करोड़, पर लेकिन 2021 में ये बढ़कर हो गया था 2.2 करोड़, पर लेकिन 2050 में बोला जा रहा है कि ये 1950 के भी नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि 1.3 पर पहुंचेगा, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो यहां पर अगर आप लोग इसको ढंग से समझोगे तो आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 1950 में हमारे देश के अंदर में एक महिला जो है लगभग 6 बच्चों को जन्म देती थी, 80 में आते आते लगभग 4.5, 2021 में आते आते 1.9 रह गए, और यहां पर 2100 में जब हम लोग होंगे तो यहां पर एक महिला मुश्किल से एक ही बच्चे को जन्म दे रही होगी, ये बातें हैं। तो इसको लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि अगर पॉपुलेशन बुजुर्ग होगी तो जैसे जापान आज की डेट में त्राहिमाम कर रहा है, कल को हो सकता है इंडिया भी कुछ ऐसा करता हो यहां पर नजर आए, क्योंकि आज की डेट में जितनी महंगी बच्चों की फीस हो गई है, जितना महंगा बच्चों का आज के डेट में लालन पालन हो गया है, तो एक इंसान जितना कमा रहा है वो अपने माता पिता और अपने एक बच्चे को पाल ले वही बहुत बड़ी बात है। इंसान आज की डेट में कोशिश करता है कि एक लड़का हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर एक लड़की होगी तो फिर से लड़के के लिए ट्राई करता है,
वरना डायरेक्टली अगर यहां पर लड़का हो जाए तो फिर लड़की के लिए ट्राई नहीं करेगा। तो ये सोसाइटी की मैं रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों को यकीन दिलाने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोग अपने आसपास में देख लीजिए तो आप लोग सारी बातें समझ जाएंगे। तो ये बेसिक है आज की डेट का जो कि आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए आने वाले टाइम में ये और घटता हुआ नजर आएगा, और मैं आप लोगों को शहर में भी बता दूं, गांव में भी बता दूं, और यहां पर ऑल इंडिया का भी बता दूं। जो फर्टिलिटी रेट है यहां पर, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज बोर्न टू ए वुमेन ड्यूरिंग ए रिप्रोडक्टिव ईयर, जो एक महिला का रिप्रोडक्टिव ईयर होता है जिसमें महिला बच्चों को जन्म दे सकती है, उसमें जितने बच्चों को जन्म दे पाती है तो उसका एवरेज निकाला जाता है, जो कि घटता घटता काफी नीचे आज की डेट में आ चुका है। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि आज की डेट में जो गांव वाला एरिया है, खासकर रेड वाला एरिया गांव वाला है, वहां पे फिर भी ज्यादा है कि कई बच्चे हो जाते हैं, शहर में तो घटकर काफी कम आ चुके हैं, और देश का एवरेज जो है वो आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। यानी कि देश के एवरेज से ज्यादा है जैसे कि गांव वाला एरिया, अर्बन वाला एरिया जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी नीचे है, अगर बात करूं खासकर अर्बन वाले एरिया के बारे में। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर, ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, मतलब यहां पर आ गया सेंटर, इस तरीके से आप लोग इसको कर लेना, ये हो गया अर्बन वाला, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये गांव वाला। तो इस तरीके से कंडीशन आज की डेट में है। तो आने वाले टाइम में हम लोग काफी नीचे आने वाले हैं, ये बोला जा रहा है कि अगर इस पैटर्न में हम लोग चलेंगे तो एक टाइम पर इंडिया जो है वो यहां पर, हालांकि दूसरे देशों से नीचे तो नहीं आएगा अभी भी, अगर बोले ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जब 2100वां टाइम होगा यहां पर, तो उस टाइम पर पहले नंबर पर इंडिया ही रहेगा टॉप पॉपुलेशन में यहां पर 19 अगर बात करें। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नाइजीरिया, नाइजीरिया जो है वो क्रॉस कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, चाइना तीसरे नंबर पर, और यूएसए ऐसे ही बरकरार है अपनी पॉपुलेशन को लेकर, वो समझदार लोग हैं, ठीक है, वो 2017 में भी ऐसे थे और आगे भी ऐसे ही रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी चीजें स्टेबल कर ली है, जबकि जापान की खस्ता हालत यहां पर होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये बेसिक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिश की गई यहां पर, इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा कि कल को चलकर आप लोगों से पूछे कि बर्थ क्राइसिस के बारे में, तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट और क्या क्या है सारी चीजें एक एक कर आप लोगों को समझा दी, तो हल्का सा आइडिया आप लोग एटलीस्ट इसके बारे में रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं इनके बारे में भी, अगर कोई इस तरह का डेटा सामने निकल कर आता है तो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी कि इकोनॉमी के बारे में, और इकोनॉमी जो है आप लोगों को पता है कि घर की इकोनॉमी जो है वो मम्मी संभालती है, ठीक है, ऐसे ही देश की इकोनॉमी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर और हमारी सरकार संभालती है। मैं यहां पर आप लोगों से बात करूंगा देश की इकोनॉमी के बारे में भी, और उससे रिलेटेड जो जो न्यूज है उसके बारे में भी, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिले और इंपॉर्टेंट खबर भी आप लोगों की कवर हो जाए। जब से हम लोग ऑनलाइन दुनिया में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, ये बात आप लोगों ने फील की होगी कि कहीं ना कहीं आज की डेट में जो है फाइनेंशियल फ्रॉड जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट टूटता हुआ नजर आ रहा है, किसी का जो है एटीएम से किसी ऐसे तरीके से कहीं ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां से गायब होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी यहां पर हमारे देश के अंदर में काम किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहां पर क्या काम किया जा रहा है कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम है डीआईपी। ये कोऑर्डिनेट करेगा जो भी अलग अलग एरिया के जो हमारे देश में स्टेक होल्डर हैं, और यहां पर मिलकर काम करेंगे कि कैसे ऐसे फ्रॉड को हम लोग रोक सकते हैं। ये एक तरीका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब इसके द्वारा डेवलप किया गया है, और यहां पर इंप्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद होता है अगर कोई ऐसी चीज होती है। तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल ऐसे ही है, कल को चलकर अगर हमारे देश के किसी देश के साथ में अगर युद्ध होता है, ऊपर वाला न चाहे, पर लेकिन फिर भी अगर कंडीशन बनती है तो हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी, हमारी कोस्ट गार्ड और पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो सारी की सारी सिंक्रोनस वे में आप लोगों को काम करती हुई नजर आएंगी, एक दूसरे को बैक एंड पे सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो यहां पर ग्लोबल डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म मार्केट जो है ये इसी चीज पर फोकस देता हुआ आगे बढ़ रहा है कि कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना है सिस्टमेटिक वे में। ये बेसिक चीजें आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बने तो आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है डेवलप किया गया है जो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, और यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो यहां पर इसको लॉन्च कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ताकि फ्रॉड जो है खासकर फाइनेंशियल यानी कि पैसों से रिलेटेड जो भी फ्रॉड है उनको यहां पर रोका जा सके, ठीक है ना। ये देखकर आप लोगों को मूवी की याद आ जाएगी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि उसके बाबा दादा जो है बहुत सारा पैसा छोड़ गए और उसके मजे आ गए। तो यहां पर कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा था, उसने घर वालों को बता नहीं रखा है, उसने कहीं पर वो पैसा रख रखा है और उस इंसान की डेथ हो गई, अब किसी को पता भी नहीं उस पैसे के बारे में। तो यहां पर उसी से रिलेटेड आरबीआई जो है वो सामने निकल कर आया, उसने उद्गम पोर्टल यहां पर लॉन्च किया। उद्गम पोर्टल अगर पूछे किसका है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, आरबीआई का है,
उद्गम की फुल फॉर्म क्या है, यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट, यानी कि ऐसा पैसा जो बैंक में डाल तो दिया गया है पर लेकिन उसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी अलग अलग बैंकों के थ्रू यहां पर। तो लगभग 30 बैंक यहां पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं ताकि यहां पर सिस्टमेटिक वे में लोगों को पता लगाया जा सके कि हाँ यार ऐसा पैसा यहां पर पड़ा हुआ है, बाबा दादा छोड़ के गए थे। तो इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस और जो पार्टिसिपेंट बैंक है मिलकर काम करेगा ताकि इंडिविजुअल को एक्सेस किया जा सके, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया जा सके ताकि लोग जो है वहां पर आकर सर्च भी कर सके, कोई हमारे जानने वाले का तो कोई पैसा नहीं है यहां पर, तो उस पैसे को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो उसके हकदार है। तो एक बहुत ही एक शानदार इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं आरबीआई का, क्योंकि जिसने पैसा कमाया है अगर उसके परिवार वालों को मिले तो हो सकता है बहुत सारे लोग उस टाइम पर दिक्कत में हो तो उनका एक तरीके से फायदा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो एक शानदार इनिशिएटिव विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, तो अच्छा इनिशिएटिव है। तो देखते हैं सॉल्यूशन निकलता है क्या, पर लेकिन याद जरूर रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे पोर्टल है तो क्या है। ओके, जीआई टैग किसी चीज को देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिससे कि उस चीज को पूरे देश तो देश पूरी दुनिया में जाना जाता है कि हाँ ऐसी कुछ चीज कहीं पे है, उसको ऑथेंटिकेट कर देना, उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ उस लोकल एरिया में ये चीज फेमस है, इसमें जीआई टैग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी यहां पर जो मजुली मास्क है, ये ऐसे मास्क बनाए जाते हैं इनके द्वारा जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को भगवान का रूप देखने को मिलेंगे, और ये एक नया तरीका बना दिया कहीं ना कहीं जो वैष्णविज्म था, यानी कि जो विष्णु की जो आराधना करने वाले लोग थे उन्होंने इसके अंदर में नियो वैष्णविज्म, मतलब एक तरीके से नई चीज और ऐड कर दी, जैसे कि एथिक्स को इसके अंदर में ऐड कर दिया। ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना, डेवोशन एक तरीके से भक्ति पर इम्फेसिस किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो यहां पर श्रीमंता, ये यहां पर शंकरदेव जो थे उन्होंने 15 सेंचुरी में इसको स्टार्ट किया, और एक थेरेटिकल जैसे नहीं थिएटर में जो परफॉर्मेंस होती है उस टाइप में जो कैरेक्टर क्रिएट किए जाते हैं तो वाली चीजें हैं, तो रिचुअल्स वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए ये काफी अच्छे से काम किया गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, मजुली जो यहां पर ये मास्क है इसके नाम पर मजुली आइलैंड भी देखने को मिलेगा, आइलैंड मतलब द्वीप समूह। ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम के अंदर में जो बेसिकली रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि रिवर अपना रास्ता छोड़ के चलेगी, मिट्टी इकट्ठा हो गई तो वहां पर एक आइलैंड बन गया। तो ये आज की डेट में 352 स्क्वायर किलोमीटर का जो एक आइलैंड देखने को मिलेगा, वर्ल्ड में लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि किसी रिवर यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आसाम के अंदर देखने को मिलेगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा है ये याद रखना आप लोग, जो कि यहां पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबनसिरी रिवर है यहां पर, और इसी के साथ में खेर कुटिया ये एक रिवर देखने को मिलेगी जो कि यहां पर ब्रह्मपुत्रा का एक पार्ट है जो कि यहां पर इसको बनाती हुई निकलती है। तो इसके मजुली के साथ में उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी आप लोग हल्का सा याद रखना। ठीक है, ऐसा ही एक यहां पर जिसका नाम है बेसिकली रिसा टेक्सटाइल, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा त्रिपुरा के अंदर में, जो इस तरीके का जो अटायर पहना जाता है, इस तरीके जो कपड़े पहने जाते हैं उनको भी जीआई टैग का अभी यहां पर खिताब दिया गया। तो यहां पर ये हैंड वूवन क्लोथ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो खासकर बात करें मेल और फीमेल के बारे में आप लोग दोनों के देख सकते हैं, तो इसमें स्टोल वगैरह भी रहता है, पूरा का पूरा एक पूरा अटायर है, पूरा का पूरा सिस्टम है यहां पर ये, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आज के डेट में इसको यहां पर ये एक दर्जा दिया गया। और जो रीसा सोरमनी, ये बेसिकली जो बोला जा रहा है ये 12 से लेकर 14 साल के बीच में, तो जो एक यंग गर्ल होती है तो फर्स्ट टाइम यहां पर उसके द्वारा जिसे पहना जाता है, तो उसके तौर पर ट्रेडिशनल पार्ट भी है यहां पर त्रिपुरा की कल्चर का। अगर किसी भी ऐसी चीज को हम लोग जीआई टैग देते हैं तो इससे आने वाली जनरेशन को भी उसके बारे में पता चलता है और अच्छे से उसको हम लोग फॉलो करते हैं, अपनी कल्चर को नहीं भूलते, आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग आपके लोकल एरिया में इसके बारे में जरूर थोड़ा सा आइडिया रखना है। ऐसा ही एक यहां पर उड़ीसा से है जिसका नाम है यहां पर रूपत्राक्षी। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली यहां पर सिल्वर जो होता नहीं एक तरीके सिल्वर कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर जो कटक है यहां पर उसको आप लोग बोल सकते हैं कि सिल्वर सिटी ऑफ जो बेसिकली कटक है उड़ीसा के अंदर में, वहां पर सेंचुरी ओल्ड ऐसा कोई क्राफ्ट बनाया जाता है इस तरीके से,
और जो बेसिकली इसको बनाने वाले हैं ठीक है, उनको यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रूपा रूका बनायस ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर रूपा कराक्ष ये उड़ीसा के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये आज से नहीं है, पुराने टाइम से इवन मुगलों के टाइम पर भी यहां पर ये चीजें जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रही। और फिलहाल अभी आकर इसको रिकॉग्नाइज किया गया जीआई टैग देकर, भौगोलिक संकेतक देकर, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है उस एरिया में। वरना इससे पहले आप अगर उड़ीसा से नहीं है तो आप लोग नहीं जानते होंगे, और बहुत सारे तो उड़ीसा वासी भी नहीं जानते होंगे। तो इसलिए यहां पर हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं एटलीस्ट इसके बारे में आज की डेट में। तो इससे इस चीज को बहुत फायदा होगा, आने वाले टाइम पे अगर कोई घूमने जाएगा वहां पर तो आसानी से इसको ला सकता है, ऑनलाइन भी इनको बेचा जा सकता है। तो इससे फायदे होते हैं काफी ज्यादा, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ये गिग वर्कर जो है ये आप लोगों को टाइम टू टाइम न्यूज में आते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गिग वर्कर क्या है। बोला गया है कि यहाँ पर 85% जो गिग वर्कर हैं वो 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। ये माना जाता है कि जो 8 घंटे से ज्यादा इंसान काम कर रहा है तो उसको थकावट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहती है और कई बार बीमार होता भी नजर आता है। कई सारी ऐसी WHO के द्वारा स्टडी की गई है। तो यहां पर आज की डेट में ओला उबर जोमेटो स्विगी ये वो वाले प्लेटफॉर्म है जिनमें गिग वर्कर काम करते हैं। गिग वर्कर क्या है, ये इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं। ये एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं, आप लोगों ने जैसे देखा होगा अगर आज की डेट में ओला या फिर उबर के थ्रू आप लोग अपनी जर्नी करते हो, तो यहां पर कई बार अगर आप लोग ओला ओला एप्लीकेशन यूज कर लिया तो कई बार कैब वाला जो है उसको रिजेक्ट भी कर देता है। यानी कि अपनी मर्जी के मालिक भी होते हैं। और यहां पर एप्लीकेशन जो है वो दो दो यूज कर सकते हैं, जिस पे चाहे उसकी ले सकते हैं बेसिकली एक तरीके सर्विसेज। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट तो रहते हैं पर लेकिन इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती है कि यहां पर इनकी कोई पेंशन है, इनकी कोई छुट्टी है, हारी बीमारी कभी भी हो इनको काम करना ही पड़ेगा अगर अपनी जिंदगी अच्छे से यूटिलाइज करनी है। तो इसमें आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो उसी के ऊपर में फोकस करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे चीजों को सिस्टमेटिक वे में हम लोग लेकर चलें। तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कल को चलकर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो यहां पर ये गिग वर्कर की डेफिनेशन एटलीस्ट याद रखना। बोला ही जा रहा है आने वाले टाइम में इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, कोई इनके बारे में भी सोचे बात करें। क्योंकि कंपनीज की कमी नहीं है आज के डेट में जो इन वर्करों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे किसी के अंदर भी आप लोग जाकर देख लें, ऑनलाइन कुछ ना कुछ डिलीवरी आज की डेट में आप लोगों को होती हुई यहां पर नजर आ रही है ठीक है। तो इसके चलते आप लोग हल्का सा समझ सकते हैं ठीक है। पुराने टाइम पर कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी कि कोई जमींदार आदमी है, वो जमींदार आदमी क्या कर रहा है, वो लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है ताकि वो जो पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो वहां पर अपना फायदा उठा सके, एक तरह फायदा उठा सके। जमींदार जो है उनको कई बार कंबल बांटता हुआ नजर आता है, कभी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये जो काम पुराने टाइम पर जो जमींदार कर रहे थे ऐसे ही आज की डेट में ये काम करते हैं जो अमीर कंट्री है। अभी यूके ने क्या किया, यूके ने नए रूल निकाले यहां पर जिसको बोला DGFT। DGFT की फुल फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। यानी कि डेवलपिंग मतलब जो गरीब कंट्री है, इंग ING कॉन्टिन्यूस है यानी कि काम कर रहे हैं, आगे चलकर ये कुछ ना कुछ करेंगे तो डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसकी ट्रेडिंग स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो इंट्रोड्यूस की जा रही है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को लेकर, जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जो डेवलपिंग कंट्री है अगर उनके वहां से कोई सामान आ रहा है इन देशों के अंदर में तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा उनके साथ में ट्रेड करने में, ताकि उनका भी इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके। ये वही यूके है जिसने दुनिया भर पे रूल किया है, तो अभी यहां पर अगर कुछ कर रहा है तो कोई अच्छा है, कहीं ना कहीं उल्टा लुटा रहा है उनको, उनका लूटा हुआ धन ठीक है। ये पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर में था, आप लोगों को पता है ब्रेग्जिट हुआ यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, तो तब से ये इंडिपेंडेंट है, अपनी पॉलिसी अलग लेकर चल रहा है। तो इसलिए फिर से इसने यहां पर अपने हिसाब से पॉलिसी बनाई है ताकि ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ जो 65 पुअर और जो यहां पर डेवलपिंग कंट्री है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा जा सके, या तो जो भी यहां पर टैरिफ वगैरह है उनको यहां पर रिड्यूस किया जा सके, ट्रेड रूल को चेंज किया जा सके, मार्केट टैक्सेस को यहां पर लाया जा सके और यहां पर फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन रखी जा सके ताकि सारे प्रोडक्ट को भी कवरेज दिया जा सके। तो कुछ ऐसा फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन में नहीं आना है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं, ये ट्रेड से रिलेटेड भी है और इंटरनेशनल रिलेशन में भी कौन कंट्री क्या कर रही है वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है ठीक है। तो कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है। यहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज, खासकर इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आज के डेट में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोग बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको सुनेंगे ठीक है।
दोस्तों टाइगर सेंसस के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, पर लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेपर्ड से रिलेटेड बात। लेपर्ड जो है बेसिकली उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उनके स्टेटस को कैसे हम लोग देख रहे हैं। और इंडियन के द्वारा कंडक्ट किया गया 5वें नंबर का साइक्लिक लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन, यानी कि इनकी जनगणना की गई और इसको स्टेटस ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया 2024 इसका नाम दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पता चला तो लगभग कितने हो गए, 2018 में इनकी संख्या जो थी 12,852 थी, अब बढ़कर 13,874 हो गई है ये बताया गया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जब ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट वो है हाईएस्ट लेपर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर अगर बात करें वेस्टर्न घाट के अंदर में आप लोगों यहां पर 3,596 करीब देखने को मिल रहे हैं। और ईस्टर्न और जो यहां पर सेंट्रल इंडिया है वहां पर काफी ज्यादा है, शिवालिक रेंज में काफी आप लोगों को और कम देखने को मिलेंगे। अगर स्टेट वाइज कोई आप लोगों से पूछे तो मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट है, यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर है, कर्नाटक में तीसरे पर, तमिलनाडु में चौथे नंबर पर। तो ये याद रखिएगा, अक्सर आप लोगों ने न्यूज भी कई बार सुनी होगी घर में जो है वो लेपर्ड आके घुस गया, ठीक है, एक तरीके से कई सारी ऐसी वीडियोस भी वायरल होती हैं। तो यहां पर संख्या काफी ज्यादा है, खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी काफी ज्यादा है और महाराष्ट्र में भी ये चीजें काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके बारे में याद रखना, मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन, जो हमारे देश की यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके थ्रू ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे टाइगर सेंसस होता है ऐसे यहां पर एक तरह की जनगणना आप लोग बोल सकते हैं इसको। बाकी वैसे अगर थोड़ा सा और आप लोगों को इंटरेस्ट है इसके बारे में पढ़ने का, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना हाइट वेट है, तो एक स्लाइड भी ऐड कर दिए, अगर कोई ये होने कहते हैं कोई पशु प्रेमी है तो वो यहां पर भी देख सकता है, किसी को लेपर्ड अगर पालना हो तो, है कि नहीं। गोल्डन लंगूर की पॉपुलेशन अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, यहां पर बोला गया कि लंगूर की जो पॉपुलेशन है वो 7,396 के करीब अभी देखने को मिली। और ये लंगूर जो है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है ट्रेचिपेथिस, ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम है GEE के नाम से, मैंने आप लोगों को बोला था। और नॉर्मली भूटान और इंडिया के अंदर में देखने को मिलते हैं जहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है। ये जो बंदर है जो आप लोगों को गोल्डन लंगूर जिनको बोला गया है, इनको गोल्डन लंगूर इनके फर की वजह से बोला गया, जो इनके ऊपर में जो बेसिकली ना जो बाल होते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आसाम में इंडिया के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर है और भूटान के अंदर में गोल्डन कलर रहता है, हालांकि टाइम के साथ में वो चेंज भी होता है जैसे जैसे एज चेंज होती है। IUCN में माने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की माने तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको रखा गया है, इनके ज्यादा अच्छी ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छी हालत है। CITES में माने तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में माने तो शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये वो चीजें हैं जो कि आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अगर इसको आप लोग एक बार को समझ पाओगे तो फिर आप लोगों के मन में इसको लेकर डाउट नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको आप लोग जरूर एटलीस्ट याद रखिएगा कि किस किस को कहां कहां पर किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग आसाम से आते हैं तो आप लोगों के साथ में और भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के स्टेट पीसीएस के अंदर भी ऑलरेडी, ठीक है। इस पर्टिकुलर न्यूज में और कुछ याद रखो या ना रखो, बस यही याद जरूर रखना कि किसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। तो यहां पर ग्लोबल मेथेन ट्रैकर 2024 ये एक रिपोर्ट है जो कि यहां पर प्रस्तुत की जा रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो यहां पर मेथेन के एमिशन के बारे में बात की जा रही है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी और रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी आप लोग यहां पर इसको कवर कर सकते हैं। तो मेथेन एमिशन जो है, खासकर आज की डेट में जब आप लोग कोयला जलाते हो तो उसमें से भी निकलता हुआ नजर आता है, तो USA ने इस लिस्ट में टॉप किया है आज की डेट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मेथेन एमिशन जो है वो खासकर एनर्जी सेक्टर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हाईएस्ट निकल कर आता है और USA लार्जेस्ट मेथेन एमिटर है, दूसरे नंबर पर रसिया है, फिर चाइना है। तो टॉप के नाम आप लोग यहां पर याद रख लेना। अभी फिलहाल यहां पर इसी का स्टडी की जाती है और फिर देखा जाता है कि कौन सा देश जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहां पर ये हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं आने वाले टाइम में हम लोग अपना टेम्परेचर जो है बेसिकली पृथ्वी का वो नीचे रखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बोला गया था कि हम लोग इसको करेंगे आगे आने वाले टाइम में इसको कंट्रोल करेंगे। इसीलिए हमारे देश में भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है, पर लेकिन वही बात है कि खुद जो अपने आप बेसिकली कहानियां सुनाकर और खुद जो है यहां पर ये यूज करते हुए नजर आते हैं। आज की डेट में भी कोयला जो है वो दबाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नेचुरल गैस है, और ऑयल का इस्तेमाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मेथेन का एक काफी तगड़ा सोर्स रहता है, जिसकी वजह से मेथेन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर में फोकस देना जरूरी है, अमीर कंट्री और डेवलप कंट्री यहां पर इसमें काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। मेथेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहां पर रख सकते हैं,
ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है जो हमारे एटमोस्फेयर में, पर लेकिन ये अगर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंपेयर करके, काफी ज्यादा पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये माना जाता है कि जो मेथेन है वो 84 गुना ज्यादा है, मोर पोटेंशियल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में जब हम लोग बात करते हैं। वो अच्छी बात यह है कि इन्वायरमेंट में ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो इसलिए चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। वैसे इनिशिएटिव तो दोस्तों कई सारे हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, पर जब तक ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं ये मूवमेंट नहीं बन जाते, हर एक गांव के कोने कोने में ये चीजें नहीं पहुंच जाती, तब तक एक अच्छा सोल्यूशन आप लोग नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रखना कि इसके बारे में अगर कोई पूछे तो बहुत ही बेसिक सी प्यारी प्यारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यार कई बार। ठीक है, तो इसलिए याद रखना CH4 हम लोग बोलते हैं मेथेन को, और कंपेयर करते हैं कई बार कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में यानी कि CO2, तो CO2 से काफी ज्यादा पावरफुल है इन्वायरमेंट को गर्म करने में, पर लेकिन इन्वायरमेंट में कम टाइम तक रहती है, तो इसलिए थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसलिए हल्का सा याद इसके बारे में रख सकते हैं। यहां पर हिरन पाया जाता है जिसको आप लोग हंगल बोलते हो नॉर्मली, तो ये कहां पर पाया जाता है, दचीगाम। यहां पर ये माना जाता है कि 10 गांव को रिप्लेस कर ये एक नेशनल पार्क बनाया गया था, इसलिए इसको दचीगाम नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। यहां पर जो कश्मीरी स्टेग यानी कि जो डियर की एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक जाति है, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। दचीगाम नेशनल पार्क में मेनली पाई जाती है, पर लेकिन यहां पर इनका शिकार किया जाता है कई बार, जो लेपर्ड वगैरह हैं, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर हैं, वो भी इनको खा जाते हैं, तो इसलिए इनकी संख्या काफी कम देखने को मिलेगी और रहने सहने की जगह भी कम होती जाती है, तो वो तो एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, और अपेंडिक्स 1 में रखा गया है यहां पर CITES के अंदर में, ताकि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। अब एक क्वेश्चन क्या बन गया, दचीगाम नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही फाउंडेशन वाली बातें हैं, अगर याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई साहब फिर दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो यहां तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में अगर बात ना की जाए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, तो ये बात अधूरी रह जाएगी। यूनियन जो पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर अभी बात की गई कम एक तरीके से BEE को लेकर, ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि रेडियो पर एडवर्टीजमेंट भी आते रहते हैं कि भाई साहब आप लोग जो है आज की डेट में स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट खरीदना, ठीक है, AC खरीदो चाहे फ्रिज खरीदो स्टार रेटिंग वाले खरीदना, तो यहां पर ही उसी में काम करते हैं। इवन स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें ये बताते हैं कि कैसे कैसे एनर्जी काम कर रही है। इन्होंने यहां पर कई कैटेगरी डिवाइड कर दी, जैसे फ्रंट रनर कौन है, अचीवर कौन है, तो इससे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के बारे में जब पता लगाते हैं, तो यहां पर ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 2 में, तो कर्नाटक जो है, आंध्र प्रदेश, ये सारे, आसाम, तो अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कैटेगरी में ये टॉप करते हुए नजर आए। तो यहां पर बेसिक मुद्दा ये रहता है कि ग्राउंड लेवल पर जो इनके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए स्टार रेटिंग वाले, वो लोगों तक कैसे पहुंचे, तो बड़े ही प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ये। आप लोगों ने अगर रेडियो वगैरह सुना होगा तो आप लोगों ने इनका सुना होगा, ठीक है, कि बल्ब बंद कर देना, बच्चा घर से बाहर जा रहा है, टीचर जो है वो कुछ कर रहा है, तो मतलब कहानियों के थ्रू बताते हैं, तो बड़ा ही पॉजिटिव है ये, जो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक एक ऐसा पोर्शन है जिससे अक्सर आप लोग ये क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा साइंस एंड टेक के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज रही इस महीने, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूज है पर लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर स्टार लगा लेना, एक सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है मेथेन सेट। मेथेन सेट मतलब यानी कि मेथेन का जो एमिशन होता है उसके ऊपर में ध्यान रखने वाला सैटेलाइट। तो मेथेन जो सेट है यहां पर, मीट मेथेन सेट, यहां पर सैटेलाइट जो है इसका नेम भी दिया गया इसीलिए, ताकि यहां पर जो मेथेन का एमिशन है यानी कि CH4 का जो एमिशन है उसको ये एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सके और बता सके कि कौन कौन सा देश जो है वो बदतमीजी काट रहा है। तो यहां पर ट्रेस करेगा मेथेन ग्लोबल स्केल पर और प्रमोट करेगा इन्वायरमेंट डिफेंस के तौर पर यहां पर, तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड फिर प्रोवाइड कराएंगे। US बेस्ड यहां पर नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ये एडवोकेसी ग्रुप है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा मेथेन रिलीज करता है, फिर आप लोगों को यहां पर चाइना और ये यूरोपियन यूनियन वाला एरिया देखने को मिलेगा। अगर बात करें रसिया, ठीक है ना, तो डेवलपिंग पार्टनर जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यहां पर। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को दूसरी भी, जैसे कि यहां पर बात की जा रही है सेमी हटन्स जो यहां पर एस्ट्रोफिजिक्स ये ऑब्जर्वेटरी है यहां पर, ठीक है, तो इसी के साथ में यहां पर जो न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है, यह है स्मिथसोनियन, ठीक है, तो स्मिथसोनियन जो बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है ये भी, और मिशन पार्टनर गूगल है। एक बार को ये आप लोग इसमें आप लोग एक बार को जो जितना याद रखो रखो, पर लेकिन गूगल का नाम जरूर याद रखना मेथेन सेट में, क्योंकि लोकेशन बेस्ड जो ट्रेस होगा उसमें गूगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
तो ये समझ सकते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में गूगल मिलकर काम कर रहे हैं सीधा, ये आप लोग याद रखना, ताकि चीजों को ट्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रखना। तो यहां पर मेथेन सेट जो है वो यहां पर बताएगा कहां कहां पर मेथेन यहां पर इस तरीके से देखने को मिल रही है, एरिया ऑफ एमिशन देखने को मिलेगा उसके बारे में बताएगा, कहां कहां पर कितने बड़े बबल्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जहां जहां से भी निकल कर आएगा तो एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ यार यहां पर मेथेन निकल कर आ रही है। ठीक है ना, साइंस एंड टेक की बात हो, इसरो की बात ना हो तो कोई मजा ना आए। यहां पर बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, कुलाशेखर पत्तनम, ये स्पेस पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक नया कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा, थित्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिसको अभी यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। सेकेंड स्पेस एजेंसी एग्जिस्टिंग जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो उसके बाद में सेकेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोकस ये रहेगा इसमें स्टार्टिंग में कैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं यहां से, वो भी कमर्शियल बेसिस पर। कमर्शियल बेसिस का मतलब क्या है, देखो यहां पर तो आप लोगों को पता है श्री हरिकोटा है, सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में तमिलनाडु के अंदर में। श्री हरिकोटा कहां पर है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बताइए। अभी यहां पर कमर्शियल सैटेलाइट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है हम लोग यहां पर इसको कमर्शियली इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरे की भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। मान लीजिए कल को कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना चाहता है पाकिस्तान या फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर म्यांमार या फिर चाइना या फिर यूएसए, सर यूएसए हमसे कराएगा, हिस्ट्री उठा के देखो बहुत सारे यूएसए के सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं। क्यों सर, उनके पास में नहीं है क्या, है, पर लेकिन उनके वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी नासा हो गई या फिर उनकी स्पेस एक्स हो गई, वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली सैटेलाइट लॉन्च करती है, उसके आधे या फिर 1/3 में हमारी इसरो लॉन्च कर देती है। तो सस्ता है, टिकाऊ भी है और सक्सेस जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा है, तो इसरो इसलिए काफी अच्छे से सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो यहां पर काम करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, जिसके बारे में बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल को अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों को डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, सारी बातें एक एक कर मैंने बता दी, पहले कहां था अब कहां पर है, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है ना, डिफेंस के बारे में बात करूंगा, जहां से आप लोगों के होश भी उड़ते हैं यहां पर नजर आएंगे, कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा लेना यहां पर, आज की डेट में हमारे पास में जो मिसाइल है सबसे ज्यादा दूर तक वार करने वाली वो है अग्नि 5। मानते हैं कि 5000 से ज्यादा किलोमीटर तक वो मिसाइल जो है वो वार कर सकती है, हालांकि कई सारे लोग बोलते हैं कि उसको एक्सटेंड कर लिया गया 6000 या फिर 7000 तक भी काम कर सकती है। पर रसिया का जो यार्स है, यार नहीं होता वही मेरे यार, तो यार्स मिसाइल जो है रसिया का, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 3 स्टेज में काम करेगी और 10500 के करीब यहां पर ये रेंज जो है वो मार करने वाली है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब यहां पर यह कि ये काफी लंबे, मतलब समझ सकते हैं कि लगभग सबको ही कवर कर लेगी, ऐसी मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई बार कई सारी मिसाइल के बारे में पूछ ले जाते हैं, तो कैसी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसको ICBM बोलते हैं आप लोग यहां पर। इसको यहां पर इनके द्वारा रसिया का जो S-24 भी बोला गया है और इसके साथ में SS-29 भी यहां पर इनके नाम रखे गए हैं रसिया के द्वारा, जो कि समझ सकते हैं, और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट को भी यहां पर काउंटर कर सकती है, तो इसलिए और भी ज्यादा इंपोर्टेंस रखती है यहां पर ये मिसाइल। ठीक है, तो पूछा जाए आप लोगों से क्या है, किसकी है, क्यों है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, रसिया की है, अलग अलग नाम भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में पता रखिएगा। डिफेंस के मामले में कल को चलकर हो सकता है कि इंडिया यहां पर रसिया से लेता हुआ नजर आए, तब और ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा जो कि कई बार न्यूज में आती है कि ये एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में है, तो IMT, तो यहां पर इंडिया, मोजाम्बिक्यू और तंजानिया, तो अपने देश की लोकेशन तो पता ही है, यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे तो तंजानिया देखने को मिलेगा और नीचे आएंगे तो मोजाम्बिक्यू देखने को मिलेगा। ये देश मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं एक एक्सरसाइज के थ्रू आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, जिसमें मैरीटाइम एक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली यहां पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई जा रही है ज्वाइंटली मिलकर यहां पर मोजाम्बिक्यू द्वारा भी, तो यहां पर आप लोग याद रखना मापुटू ये इसकी कैपिटल है, तंजानिया यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जनबीर, तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है पोर्ट है जहां पर ये चीज देखने को मिली, इनके लोकेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, जैसे नाकाला। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों से जब पूछे जाएंगे आप लोगों को लगेगा यार ये कहां से कैसे न्यूज में आ गया, तो इसलिए इनकी जो बेसिक लोकेशन है आप लोग इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा किस देश के बारे में बात की जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प तो सबको आप लोगों को पता ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में एक्सरसाइज देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करना है, इसको देखते हैं कल को चलकर अगर कहीं पर
ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाने पड़ जाए तो हम लोग वहां पर कैसे काम कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे चीजों को लेकर चल सकते हैं, तो उसके नाम पर ये एक्सरसाइज है। एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है यहां पर लेमिएते, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है किस देश के साथ में, तो ये एक्सरसाइज किसके साथ में बताइए, तो ये सीसल्स के साथ में। यहां पर अपना देश हो गया यहां पर, ठीक है, तो नीचे आएंगे सेसल्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर कंट्री है। इसके साथ में इनकी इंडियन ओशियन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और सीसल्स के साथ में, जिसका नाम है लेमिएते। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप है यहां पर, बेसिकली कोरल लैंग्वेज है यहां पर सीसल्स की, उसमें इसका नाम फ्रेंडशिप दिया गया है। 2001 में ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिली और आज की डेट में अच्छे लेवल पर हम लोग मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज के नाम है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक एक्सरसाइज है यहां पर जिसका नाम है कुटलस एक्सप्रेस, ठीक है, नाम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पर लेकिन याद रखना सेसल्स में आप लोगों को देखने को मिली एक्सरसाइज यहां पर। तो इसमें आप लोगों को यहां पर नजर आएगा यूएसए की फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और बेसिक पर्पज ये था कि वेस्ट इंडियन ओशन में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको कैसे डील करना है। तो यहां पर इंडियन ओशन के अंदर में यूएसए हमेशा चाहता है अपनी प्रेजेंस रहे, क्योंकि संभावनाओं का ओशियन बोला जाता है इसको, और कल को चलकर यहां पर कोई दिक्कत होती है अगर यूएसए न हो तो फिर हथियार कैसे बेचेगा, है कि नहीं। तो उसको हथियार बेचने के लिए इसलिए हर जगह नजर रखनी पड़ती है, जहां भी लड़ाई हो वहां पर कूदना पड़ता है। तो इसलिए इसके बारे में भी याद रख सकते हैं कि एक एक्सरसाइज देखने को मिली यहां पर, तो आप लोगों से कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। डिफेंस के मामले में इंडिया जो है आज के डेट में पीछे नहीं है, ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज हमारे पास में आती जा रही है जो दुनिया भर में बहुत ही कम लोगों के पास में, जैसे यूएसए चाइना और रशिया के पास में है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब हम भी यहां पर AMCA अपने देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एक मल्टीपोलर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यहां पर, जो कि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा के लिए डेवलप किया जा रहा है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इनके ADA के द्वारा मिलकर DRDO, HAL और इंडियन प्राइवेट कंपनी मिलकर ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है, क्योंकि अब तक हम लोगों को ये सारी चीजें बाहर से खरीद कर लेकर आनी पड़ती थी। दुनिया भर का पैसा हम लोग बाहर दे रहे हैं तो क्या फायदा है, क्यों ना अपने ही देश के अंदर में हम लोग डेवलप करना स्टार्ट कर दें। तो ये हमारे द्वारा काम किया गया अपने ही देश के अंदर में, जिसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग अपने ही अपने आप पकाएंगे, अपने आप खाएंगे और जो दूसरा भी चाहेगा तो उसको भी खिलाएंगे, यानी कि उसको भी बेचेंगे। तो फिफ्थ जनरेशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइटर, जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम करता है, और यहां पर ये ग्लोबली यहां पर 4 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों के सामने है यहां पर यूएसए, चाइना और रशिया। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं, अभी हम लोग भी यहां पर इसमें ऐड हो गए हैं, तो एक पॉजिटिव साइन आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन भी बने तो एटलीस्ट आप लोग इसके बारे में याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हम एडवांस जा रहे हैं तो दुनिया आगे आने वाले टाइम में हमसे खरीदेगी, ना कि हम दुनिया से खरीदेंगे। अदिति गाना सुना होगा ना, एक अदिति कुछ ऐसा कुछ करके गाना था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा था ना, याद नहीं आ रहा, उसी के नाम से याद रखना। यहां पर बेस की बात की जा रही है अदिति, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद द आईडीएक्स डिफेंस की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो हमारे देश के अंदर में एक स्कीम लेकर आई गई अदिति प्रमोट करने के लिए, ताकि अपने ही देश के अंदर में टेक्नोलॉजी को हम लोग डेवलप कर सके, 30 डीप टेक क्रिटिकल स्ट्रेटजी को अपने हम आप लोग हम लेकर चल सके। 2023-24 से लेकर 2025-26 तक का हम लोग टारगेट लगा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर, ताकि हम लोग आज की डेट में खुद भी बनाए और दूसरों को भी बेचें। तो वही वाला फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर डिफेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये वाली, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज का नाम है यहां पर एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मण रेखा खींच दी, ठीक है। तो यहां पर ये एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच में, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हुए यहां पर नजर आते हैं, और ज्वाइंट एक्सरसाइज है यहां पर। मलेशिया जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर में, आप लोगों को पता है चाइना की बदतमीजी क्या है, तो इन देशों के साथ में जितने भी अच्छे रिलेशन बनाकर हम लोग काम कर पाएंगे उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही चाइना के ऊपर में प्रेशर पड़ता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। बाकी यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग एक इनोवेटिव हमारा सिस्टम देखने को मिला, जिसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORADS। तो फोर्थ जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आप लोगों के सामने निकल कर आया, जिसमें यहां पर काउंटर लो एल्टीट्यूड थ्रेट के बारे में बात की गई, कैसे टैकल कर सकते हैं, और DRDO के द्वारा इंडिजिनसली आप लोगों को देखने को मिला। यहां पर 6 किलोमीटर के करीब रेंज रहेगी, यानी कि कंधे पर लगकर हम लोग इसको लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं,
उन्हें कंधे पर लेकर इंसान जा रहा है, तो इस तरीके से भी आप लोगों को चीजें जो कि देखने को मिलती है। मैन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि मैन इंसान यहां पर, हालांकि इसको मैन वर्ड कई बार ये बोला जाता है कि ये गलत है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से मैन हो या फिर वुमेन हो तो कोई भी हो सकता है, तो कई बार बोलते हैं कि ये यहां पर एक तरीके से ना डिस्क्रिमिनेशन करता है, पर हाँ नाम यही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, कुछ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर अगर सबसे पहले बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात की जा रही है मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में, जिसको आप लोग MAFEF बोल सकते हैं। ये फाउंडेशन जो है उसको क्लोज करने का ऑर्डर दिया गया रिसेंटली अभी, जिसकी वजह से ये न्यूज में थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो है, इनके बारे में याद रखना, आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ये हुआ करते थे। तो यहां पर ये इस्टेब्लिश की गई थी यहां पर 1989 में, तो एक वॉलेंट्री नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यहां पर निकल कर आई यहां पर, और रजिस्ट्रेशन किया गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर में, ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, और फंड की जाती थी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के द्वारा, और मिनिस्ट्री जो है यहां पर जो एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो मिनिस्टर भी। तो कई बार कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम लोग स्टार्ट तो करते हैं पर लेकिन उतना इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाती है, तो ये लगता है कि यार इससे ज्यादा तो इसको चलाने का खर्चा आ रहा है, उससे ज्यादा इसमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर इसके साथ में किया गया कि ग्राउंड लेवल पर वो इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया जो रिक्वायरमेंट थी यहां पर, लेकिन जिनके नाम पर थी उनका नाम जरूर याद रखना। पर्सन इन न्यूज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो एजुकेशन के लिए बहुत शानदार काम किया गया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के द्वारा, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, ये जो न्यूज है इसको आप लोग कल्चर में भी इंक्लूड कर सकते हो, डिफेंस में भी। डिफेंस में क्यों? क्योंकि बात की जा रही है गोरसम कोरा फेस्टिवल के बारे में, इनके GKF के बारे में। ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है बताइए जरा? तवांग। तवांग पता है कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, और ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये है बेसिकली जमीथांग वैली भी, आप लोग यहां पर पकड़ सकते हैं इसको, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। और यहां पर ये है बेसिकली नैमजंग जो चू रिवर है, तो इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो गजराज कोर्प्स है वो यहां पर इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइज कराती है इस फेस्टिवल को, तो इसके चलते आप लोगों से पूछा जा सकता है। और बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और इंडिया और भूटान के फ्रेंडशिप के बारे में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकेशन ऐसी है। और तवांग डिस्ट्रिक्ट तो इसलिए भी न्यूज में रहता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा चाइना क्या करता है यहां पर, जो ये वाले एरिया है उनको बोलता है कि हमारा एरिया है, और कई बार उसके नाम तक भी चेंज करता रहता है, तो इसलिए भी कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, तो इस तरीके से भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा जो बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, स्टार लगा लेना न्यूज के ऊपर में, बात की जा रही है डोम्स डे ग्लेशियर के बारे में। तो यहां पर ये जो आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिलेगा, तो यहां पर बेसिकली अमुंद सेन एरिया है वेस्ट अंटार्कटिका में, ये हमारी पृथ्वी है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। यहां पर आप लोगों को अंटार्कटिका वाला रीजन देखने को मिलेगा, यहां पर आर्कटिक ओशन वाला ऊपर, नॉर्थ पोल वाला आर्कटिक। तो यहां पर अंटार्कटिका की बात कर रहा हूं नीचे वाले में, जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करता है 4% ग्लोबल सी लेवल, यहां पर अगर ये पिघलता जाता है तो ये समुद्र का लेवल बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ा देगा, ये बातें बोली जा रही है। इसलिए डोम्स डे यानी कि विनाश करने वाला ये है अगर ये ढंग से निकलकर चलता है, इसलिए इसके बारे में बातें की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टार डोम्स कहां पर पाए जाते हैं, तो ये आप लोग को अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर में देखने को मिलेंगे, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये डोम्स जो है डेजर्ट यानी कि जो मरुस्थलीकरण वाला रीजन है वहां पर आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो इसलिए कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर भी आप लोग देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे आप लोगों को यहां पर दिखाई देंगे, ऊपर से देखेंगे तो स्टार बनता हुआ नजर आते हैं, वैसे सामने से देखोगे तो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है पर ऊपर से स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये आप लोगों को लंबे समय तक यहां पर जब देखेंगे तो फॉर्मेशन लगभग 900 साल लग जाते हैं कई बार, तो अभी यहां पर इनको डिस्कवर किया गया तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में थे, तो समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, जितना न्यूज इसने बटोरी शायद ही किसी ने बटोरी होगी। देश के अंदर में कोलकाता के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर अंडर रिवर मेट्रो टनल, बहुत बड़ी बात है यार, रिवर के अंदर में मेट्रो टनल चल रहा है, समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो यहां पर कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में बात की गई, उसका ये पार्ट है। हुगली रिवर के अंदर में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा आप लोग बोल सकते हैं, कनेक्ट करेगा यहां पर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के थ्रू। तो ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था यहां पर।
तो इसलिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी रिवर है, कहां पर टनल स्टार्ट किया गया, इनॉग्रेट किया गया देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और पहली बार अगर पानी के अंदर में कुछ ऐसा हो रहा है तो इंपोर्टेंट तो बनता है फिर, ठीक है ना। जिस तरीके से पृथ्वी पर वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ऐसे ही यहां पर बात की जा रही है नोक्टिस वोल्केनो के बारे में, जो कि आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेंगे, ये आप देखो जैसे पृथ्वी पर आप लोगों को हाईएस्ट पीक देखने को मिलते हैं, यहां पर माउंट एवरेस्ट है, इतने खतरनाक वोल्केनो आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग जाओगे दूसरे ग्रह पर, जैसे कि बात करूं मार्स के बारे में, तो यहां पर मार्स के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोला गया कि ये मोर देन 9022 मीटर हाइट है, जो कि अर्थ पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से यहां पर ये वोल्केनो यहां पर फटा और काफी ज्यादा न्यूज में भी आया। तो ये लोकेटेड है यहां पर, लोकेशन के नाम भी यहां पर इन्होंने दे रखे हैं, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, पर ये जरूर नाम याद रखना, डायरेक्टली पूछे नोक्टिस वोल्केनो तो आप लोगों के सामने कई सारे ग्रह के नाम दे सकते हैं या फिर देश के भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जब मैं बात करता हूं मार्स के बारे में, तो ये सारी स्लाइड में हमेशा आप लोगों को दिखाता हूं, ये मार्स के बारे में बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहां पर मार्स के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था डाइमोस और पेबोस, ये आप लोगों को इसके जो है मून देखने को मिलते हैं, जैसे अर्थ के मून है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर इनके मून्स वगैरह कैसे हैं, तो ये भी है बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हल्का सा अंदाजा रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। जब भी किसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं और पता चलता है कि यार ये चीज यहां पर थी, तो यहां पर फिर पता चलता है कि उससे क्वेश्चन बनते हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस यानी के सबूत देखने को मिले अर्थक्वेक के, जो कि यहां पर 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक अफ्रीका के अंदर पाया गया, और यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन भी मैप के अंदर में, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में जो साउथ अफ्रीका है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका नाम है बारबेरथोन, बारबेरथोन ग्रीन स्टोन बेल्ट है यहां पर। तो बोला गया कि ये सबसे पुराना वोल्केनिक इरप्शन यहां पर देखने को मिला, तो ये माउंटेन जो है यहां पर 40% बारबेरथोन बेल्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है यहां पर मैकोंजवा। तो माउंटेन रेंज पर्टिकुलर ये आप लोगों को देखने को मिलती है, गोल्ड मिनरल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए भी कई बार न्यूज में आ जाती है। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहां पर इसके बारे में समझ सकते हैं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल भी, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करके और छोड़ के जाना है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन दोस्तों ये जरूर बताना, बाकी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो studylovervee.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सारी क्लासेस अवेलेबल है कई सारे एग्जाम्स की, एनसीईआरटी का फाउंडेशन भी आप लोग क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को इंक्लूडेड देखने को मिलेगी, ओनली बहुत ही लो प्राइस में है, ताकि अच्छे से आप लोग अपनी चीजों को प्रिपेयर कर सके। बाकी और भी अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज और हैं यहां पर, जो कि आप लोग जिनको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और चीजों को अच्छे से लेकर चल सकते हैं, तो विजिट जरूर करना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। बाकी अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यहां पर, उनको भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, 10 में से कितने मार्क्स दोगे, और इसी के साथ में अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे चलो। सिलेक्शन लेना आप लोगों का कर्म है, उसको आप लोग बिल्कुल ऐसे फॉलो करो कि इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बिना इंसान की इज्जत नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, यार वही बात है कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करो और आगे बढ़ते हो। लव यू ऑल, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है।